महेश्वरी भवन में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिकों को अष्टांग हृदय पर आधारित चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेदिक जीवन शैली पर अगले करीब 11 दिन तक मैं आपसे बात करूंगा। एक छोटी सी पॉकेट डायरी दी गई है और एक पेन दिया गया है, इसमें आप हर वो बात लिखें जो आपको लगे कि ये आपको नई है, आपको मालूम नहीं है। और ये लिखना आपके लिए फायदेजनक इसलिए होगा कि आप मेरे जाने के बाद इन बातों को पढ़ पढ़ कर अपने जीवन में पालन कर पाएंगे और जरूरत पड़े तो दूसरों को भी बता पाएंगे। भारत देश में पिछले हजारों वर्ष में ऐसे महान लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है जो स्मरणीय है। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि बागवत। महर्षि बागवत जो है वो उसी क्रम के महान व्यक्ति है जिस क्रम में आप महर्षि चरक का नाम सुनते हैं। आपने सुना होगा आयुर्वेद चिकित्सा में एक बहुत बड़ा नाम है हमारे देश में महर्षि चरक, जिन्होंने जड़ी बूटियों की चिकित्सा से हमको स्वस्थ रहना सिखाया। भारत देश में सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का शोध भी उन्होंने ही किया। उनके बाद एक दूसरा महान नाम आता है महर्षि सुश्रुत। इन्होंने सर्जरी के माध्यम से हमारी चिकित्सा कैसे हो सकती है उसके बारे में बहुत ज्ञान दिया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो सर्जरी की बात मैं कर रहा हूँ ये सबसे पहले भारत से पैदा हुई या भारत में इसका आविष्कार हुआ, बाद में दुनिया के देशों में इसका प्रसार और प्रचार हुआ। यूरोप और अमेरिका में आज जो सर्जरी की जाती है या सिखाई जाती है उसका पूरा आधार महर्षि सुश्रुत का तैयार किया हुआ है। और ये अब मैं नहीं कहता, यूरोप और अमेरिका के सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्जरी सारी दुनिया को भारत ने सिखाई। तो सर्जरी के जो सबसे बड़े आविष्कारक हुए इस देश में उनका नाम महर्षि सुश्रुत। उसी क्रम में एक तीसरा नाम है महर्षि बागवत। ये एक ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने हमको ये बताया कि हम हमारे जीवन में बीमार ही ना पड़े। महर्षि सुश्रुत ने बताया कि बीमारी आए तो सर्जरी से कैसे ठीक है, कहीं फोड़ा हो गया, कैंसर हो गया, गांठ हो गई, उसको काट के कैसे निकाला जाए, आंखों में मोतियाबिंद आ गया उसको कैसे हटाया जाए, ये सब महर्षि सुश्रुत ने बताया। महर्षि चरक ने ये बताया कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके आधार पर हम अपनी चिकित्सा कैसे करें। महर्षि बागवत एक अनोखे आदमी थे जिन्होंने ये बताया कि हम बीमार ही ना पड़े, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और उनका ऐसा कहना है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए पैदा हुआ है, भगवान ने किसी को बीमार पैदा नहीं किया, हम हमारी गलतियां हैं जिनसे बीमार होते हैं। भगवान का ऐसा कोई नियम और सूत्र नहीं है पूरी प्रकृति में कि हम बीमार पड़े। जिस परमपिता परमात्मा ने ईश्वर ने हमको बनाया उसी ने जीव जंतुओं को भी बनाया। आप सभी जानते हैं लाखों किस्म की जीव राशियां हैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी बीमार नहीं पड़ता। अगर आप अध्ययन करना शुरू करेंगे तो जंगल में रहने वाला कोई भी जीव जंतु कभी भी बीमार नहीं पड़ता। आसमान में उड़ने वाला कोई भी परिंदा और पक्षी कभी भी बीमार नहीं पड़ता। चींटी चींटी से लेकर सांप बिच्छू मक्खी मच्छर कभी भी बीमार नहीं पड़ते। ये उसी परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं जिसने हमको भी बनाया। मनुष्य अकेला है जो बीमार पड़ता है, मनुष्य अकेला है जिसको डॉक्टर लगता है, मनुष्य अकेला है जिसको दवा लगती है, बाकी किसी भी जीव जंतु को बीमारियां नहीं आती और किसी भी जीव जंतु के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई जीव जंतु को जबरदस्ती हम उसके परिवेश से निकालकर अपने बीच में ले आते हैं, जैसे जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं, हमने जबरदस्ती उनको पकड़कर अपना पालतू बना लिया, तो फिर वो बीमारी में आते हैं। कुत्ता जब तक सड़क पर रहता है बीमार नहीं होता, जैसे ही किसी के घर में बंद जाता है उसकी बीमारियां शुरू हो जाती है।
ऐसे ही बाकी जीव राशियों के लिए भी है। तो देखो जब तक आसमान में खुला छोड़ा है आपने उड़ने के लिए, कभी बीमारी नहीं आएगी। जैसे ही आप उसको पकड़कर पिंजरे में रखेंगे बीमारियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही कबूतर है, कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है, जब तक वो अपने परिवेश में है स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही आप मनुष्य के नजदीक वो आता है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। माने मनुष्य है जो समस्याओं में सबसे महत्व का है बीमारियों के। तो बागवती जी ये कहते हैं कि हम सब मनुष्य कुछ ऐसे अपने जीवन में काम कर रहे हैं या करते हैं जाने अनजाने कि हम बीमार पड़ते हैं। उन बातों की तरफ उन्होंने बहुत गंभीरता से समाज को बताया कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो तो बीमार नहीं पड़ो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। पूरा जीवन बागवत जी का इसी में चला है और इसको जीवन भर वो करते रहे शोध के रूप में, अनुसंधान के रूप में और बताते रहे समाज। तो बागवत जी का सारा ज्ञान संस्कृत में सूत्र के रूप में लिखा गया, दो पुस्तकों में, दोनों में एक दो नहीं हजारों की संख्या में सूत्र है। उनमें से मैं पिछले 8-10 वर्षों से सूत्रों का अभ्यास करता रहा और मेरे अपने नजदीकी लोगों पर उसके परीक्षण भी करता रहा। मेरे अपने ऊपर भी मैंने परीक्षण किए और मेरे सहयोगियों के ऊपर भी परीक्षण किए और मैंने देखा कि हजारों साल पहले का सूत्र जो परिणाम उस समय देता था वो आज भी दे रहा है। अगर बागवत जी ने कभी कोई सूत्र बोला और उसका उन्होंने अपने जीवन में उपयोग किया और जो परिणाम आए वो मैंने देखा कि आज वो परिणाम 21वीं शताब्दी में भी आ रहे हैं, न सिर्फ भारत में आ रहे हैं बल्कि भारत के बाहर भी आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, सहयोगी हैं जो भारत के बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप के देशों में रहते हैं, उनको भी मैंने वो सूत्र बताए कि भाई आप ऐसा कर लो बागवत जी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ उसका परिणाम उनके ऊपर नहीं है। तो जब मैंने देखा पिछले 8-10 वर्षों में कि इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं और खर्चा कुछ नहीं है, एक पैसा भी खर्च नहीं होता और परिणाम बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, किसी को मोटापा बहुत बढ़ गया है, अब वो मोटापा कम करना चाहते हैं तो मोटापा कम करने के लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं। एक पद्धति है कि आप योग करें, प्राणायाम करें, दूसरी पद्धति है आयुर्वेद की, चिकित्सा करें, उपचार करें, और एक तीसरी पद्धति है एलोपैथी की, जिसमें शरीर का वजन कम करने के लिए आपको दवाएं दी जाए या शरीर में से आपका पानी निकाल लिया जाए या शरीर का मांस थोड़ा छटनी किया जाए, काटा जाए और आपको वजन कम किया जाए। ये ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन बागवत जी की इतनी सरल और अनोखी पद्धति है, वो एक सूत्र के रूप में कह देते हैं कि बस आप अपने जीवन में पानी पीने का नियम बदल दें तो तुरंत आपका मोटापा घटना शुरू हो जाए। और मैंने ये करके देखा तो इतना अच्छा परिणाम मिला कि मैं खुद हैरान हो गया। आपको मैं जानकारी के रूप में बताऊं कि मैंने होम्योपैथी चिकित्सा पहले सीखी है, बागवत जी की चिकित्सा उसके बाद में सीख रहा हूं अभी भी। एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि आयुर्वेद चिकित्सा बाद में सीखा है मैंने, होम्योपैथी पहले सीखा है। मैं होम्योपैथी की जिन दवाओं से मोटापा कम करने के लिए परिणाम की अपेक्षा करता हूं, उन दवाओं से ज्यादा तीव्रता से मोटापा कम होता है बागवत जी के सूत्र के आधार। तो मैंने सोचा कि मैं होम्योपैथी किसी को बताऊं, उससे अच्छा ये बागवत जी का सूत्र क्यों ना बताऊं। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया। ऐसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में उदाहरण है, हृदयघात की बीमारियां है, अस्थि माने जिनको हम संधिवात कहते हैं, संधिवात दो तरह के होते हैं, एक जिसको आप अंग्रेजी में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें भी मैंने देखा, हर बीमारी में मैंने देखा, भारत देश में इस समय लगभग 148 बीमारियां प्रचलित है जो आपको अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हो सकती है। उनमें 80 बीमारियां हैं वात से संबंधित, 40 बीमारियां हैं पित्त से संबंधित और करीब करीब 28 बीमारियां हैं कफ से संबंधित। सबसे ज्यादा बीमारियां हैं वात की, दूसरे नंबर पर है पित्त की और तीसरे नंबर पर है कफ की। तो लगभग 148 बीमारियों से जो आप जूझते हैं अपने जीवन में, लगभग इन सभी बीमारियों के बारे में बागवत जी के सूत्र हैं। उन्होंने दो तरह से हमें ज्ञान दिया है। पहला ये कि इस बीमारी से बचो जीवन भर,
तो क्या करो। फिर उन्होंने ही अपने सूत्रों में कहा है कि अगर आपने कोशिश की, प्रयास किया आप उस बीमारी से बचने के लिए और नहीं बच पाए, मान लीजिए बस ही गए उस बीमारी में, तो फिर क्या। तो उनके ज्ञान के दो हिस्से, पहला है प्रिवेंटिव अगर अंग्रेजी में मैं कहूं, दूसरा है क्योरेटिव। दोनों हिस्से उन्होंने कहे, लेकिन उनके ज्ञान का कुल जमा जो है उसमें 85% प्रिवेंटिव है, 85%, और 15% ही क्योरेटिव। मतलब सीधा सा ये है कि मात्र 15% बीमारियों में ही औषधि लेने की जरूरत पड़ेगी, 85% बीमारियां तो आप उनके सूत्रों की मदद से अपने आप ही ठीक करेंगे। ये वो कुल निचोड़ उसका। तो उनके कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उनको समझाऊंगा, आप उन सूत्रों को लिख लेंगे, बार बार उस पर मनन और चिंतन करते रहेंगे, जरूरत पड़े तो अपने जीवन में उसको उतार लेंगे। उतारने के बाद आपको अच्छा परिणाम मिला तो मेरा एक ही निवेदन है कि दूसरों को बताएंगे, क्योंकि भारत में ज्ञान को फैलाने का एक ही तरीका है। मैंने कुछ ज्ञान बागभट्ट जी से लिया, आपको दिया, आपने मुझसे लिया, किसी और को दिया, किसी ने किसी और को दिया, इस तरह से ये फैलता चला। मेरा तो एक निवेदन और भी है कि अगर आप में से कोई जैन समाज के लोग यहाँ बैठे होंगे तो ये छोटी छोटी बातें आप जो जैन समाज के साधु संत हैं उनको बताएं, क्योंकि उनका हमेशा प्रवचन होता है, उनका हमेशा व्याख्यान होता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, वो तो घूमते ही रहते हैं, प्रवास करते ही रहते हैं, और उनके संपर्क में हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं उनके पूरे जीवन में। तो अगर उन तक आपने ये छोटे छोटे सूत्र पहुंचा दिए, लिख कर दे दिए या उनको बता दिए और उनके व्याख्यानों में ये शामिल हो गए, तो पता नहीं कितने करोड़ लोगों को इससे लाभ होगा। इसकी जरूरत क्या है इन सब जानकारियों की और ज्ञान की, कि हमारे देश की आज की जो व्यवस्था है चिकित्सा की, वो किसी का भी इलाज करने में समर्थ नहीं। आज की चिकित्सा की व्यवस्था, हमारी भारत सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, राज्य सरकारों का हजारों करोड़ों रुपए का बजट है, फिर भी हमारे देश के लोग दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। जब हम आजाद हुए थे तब हमारे देश में बीमारों की संख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास थी, सरकारी आंकड़े। अब बीमारी हमारे देश में पिछले 60 साल में कितना विकास हुआ है, कितनी तरक्की हुई है, कितने नए हॉस्पिटल खुले हैं, कितने नए दवा केंद्र खुले हैं, कितने ज्यादा डॉक्टर्स हुए हैं। जब आजादी आई थी तो कुछ हजार डॉक्टर थे, अब इस देश में 22 से 25 लाख के आसपास डॉक्टर हैं, लेकिन बीमारों की संख्या 70 करोड़ हो गई। आजादी मिली तो 4 करोड़ बीमार थे, अब आजादी के लगभग 60 साल के बाद 70 करोड़ लोग बीमार थे। पता नहीं और 10-20 साल में ये 70 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो सकते हैं, 100 करोड़ हो सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार जैसे जैसे खर्चा बढ़ा रही है लोगों की चिकित्सा पर, वैसे वैसे बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया का भी यही हाल है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, अमेरिका और यूरोप की भी यही स्थिति है कि आज से 50 साल पहले वहां दवाएं बहुत कम थी, बहुत कम, न्यूनतम। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं तो आप हैरान हो जाएंगे, 50 साल पहले अमेरिका में 50 करोड़ डॉलर की दवाएं बिकती थी साल में, अब अमेरिका में अरबों डॉलर की दवाएं बिकती हैं, लेकिन बीमारों की संख्या 50 साल में 10 गुनी बढ़ी। यूरोप में भी यही हाल है। मतलब सीधा सा ये है कि चिकित्सा पद्धति में जितना ज्यादा पैसा लगा है, जितनी ज्यादा दवाएं नहीं आई हैं, जितने ज्यादा डॉक्टर्स आए हैं, उतने ही बीमारों की संख्या भी बढ़ी है। फिर कोई कहेगा कि ये तो जनसंख्या बढ़ने के कारण है, तो मैंने वो सब हिसाब निकाल के देखा, जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो क्या है और बीमारों के बढ़ने की दर है वो क्या है। भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी है 1960 में या 1950 की बात करें, हमारी जनसंख्या थी 3200, अब जनसंख्या है 113, तो आप मान लो कि 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन 1950 या 52 में हमारे यहाँ बीमार थे 4 करोड़, अब बीमार है 70 करोड़, तो बीमारों की संख्या लगभग 20 गुनी बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ी है लगभग 3-3.5 गुनी और बीमारों की संख्या बढ़ी है 20 गुनी। ये दुनिया में भी यही हाल है।
इसका मतलब क्या है? पिछले आजादी के 50-60 वर्षों में हमारे देश में जीवन शैली हमारी ऐसी खराब हुई है जिससे हमारी बीमारियां बढ़ रही है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम जिसको विकास कहते हैं इसने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से उल्टा कर दिया। जीवन शैली में ये कहा गया है सवेरे सूर्योदय से पहले उठना और शाम को सूर्यास्त के बाद सो जाना। अब हमारे यहाँ विकास की ऐसी पद्धति आई है जिसमें रात भर काम करना और सवेरे सो उठना 7-8 बजे से शाम 7-8 बजे। आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर में काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता को इंजीनियर को आप पूछिए तो वो रात भर काम करते हैं जबकि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है काम करने। कोई पशु कोई पक्षी रात में काम नहीं करता, खाता भी नहीं है काम भी नहीं करता, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो रात में खाता भी बहुत है काम भी सब करता है तो उल्टी हो गई सभी। अब इस जीवन शैली में आपको 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह तो मिल रही है लेकिन रात भर काम करने से जो बीमारियां आ रही हैं उन बीमारियों में 1 लाख रुपए का 60,000-70,000 डॉक्टर के पास जा रहा है। नेट कुछ नहीं बच रहा, आप यहाँ से ज्यादा पैसे ले रहे हैं और अपने शरीर की बीमारियों पर ज्यादा खर्चे कर रहे हैं। तो मैंने जब इस बात को समझ लिया तो मुझे लगा कि हमको तो कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें हमारी जीवन शैली जीवन पद्धति ठीक होती जाए, हमें क्या करना क्या नहीं करना इसका ज्ञान हो जाए तो शायद हम बीमार नहीं पड़ने की कैटेगरी में आ जाए और फिर हम वही ज्ञान लोगों में इतना बांटें कि वो भी स्वस्थ होने की स्थिति में आ जाए तो कम से कम चिकित्सा और दवाओं का खर्चा इस देश का कम हो जाए। भारत देश में 1 साल में चिकित्सा का खर्च है 6.5 लाख करोड़ रुपए, 6,50,000 करोड़ रुपए चिकित्सा का खर्च है 1 साल में, जिसमें सरकार और समाज दोनों मिलकर ये खर्चा करते हैं। सरकार का खर्चा कम है समाज का ज्यादा है आप जानते हैं, लेकिन ये इतना खर्चा करने के बाद भी हमारी सरकार बोलती है कि सिर्फ 33% भारतवासी ही इलाज करा सकते हैं, 67% के पास तो इलाज कराने के लिए कुछ नहीं, 33% ही इलाज करा सकते हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, जो 33% इलाज करा सकते हैं उनसे भी पूछ लो कि वो संतुष्ट है इलाज कराकर। हजारों रुपए लाखों रुपए डॉक्टर को देने के बाद, इतने सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कराने के बाद, तरह तरह के ऑपरेशन कराने के बाद क्या वो संतुष्ट है? तो वो कहेंगे जी संतुष्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर साल मेरे पास हजारों लोग आते हैं ऐसे इलाज के लिए, वो कहते हैं 5 साल से इलाज कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल हो गया है, लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, इतने ऑपरेशन करा लिए हैं फिर भी हमें आराम नहीं है। तो एक तो समस्या उनकी जो खर्च कर सकते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं है इलाज से, दूसरे वो जो खर्च ही नहीं कर सकते और इलाज को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इन दोनों बातों को जब मैंने मिला के देखा तब मेरे समझ में आया कि कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए इस देश के लोगों को जहाँ से हम बिना खर्चे के हरेक इलाज की व्यवस्था कर सकें। मेरा अपना मानना है, अगर आप उससे सहमत है तो बहुत अच्छा, मेरा अपना मानना है चिकित्सा शिक्षा और न्याय हरेक को उपलब्ध होना चाहिए बिना किसी शुल्क, क्योंकि ये सबकी जरूरत है, कोई गरीब हो कोई अमीर हो चिकित्सा उसको उपलब्ध होनी ही चाहिए, पैसे के आधार पर नहीं, वो नागरिक है इस देश का इस आधार पर। इसी तरह से शिक्षा सबकी जरूरत है, वो उपलब्ध होनी चाहिए बिना किसी शुल्क, और न्याय वो भी उपलब्ध होना चाहिए बिना किसी शुल्क। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में एक समय ऐसा रहा कि चिकित्सा शिक्षा और न्याय तीनों निःशुल्क मिलते थे, और ज्यादा पुरानी बात नहीं करता 300 साल पहले तक मिलते थे। 300 साल पहले तक के जो दस्तावेज है भारत के वो बताते हैं कि कभी भी किसी राजा ने किसी राज्य में ऐसा कोई दवाखाना नहीं खोला जिसमें पैसा लेकर इलाज होगा। आप भी जानते हैं, आप में से कई सीनियर सिटीजन हैं मेरे बगल में अमर लाल जी बैठे हैं, आप सबको याद होगा कि किसी भी वैद्य के पास आप जाइए चिकित्सा के लिए पैसे तो उसने कभी नहीं मांगे,
फीस तो उसने कभी नहीं दी, आपने अपनी सदिच्छा से कुछ उसको दान दे दिया वो बात अलग है, लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक इस देश में ये नहीं कहा मेरी 500 रुपए फीस हो गई लाड़ी दे। हजारों साल से ये परंपरा चली है। इसी तरह से कभी भी इस देश के किसी भी गुरुकुल में किसी गुरु ने किसी माता पिता को ये नहीं कहा कि आपके बच्चे को तब पढ़ाया जाएगा जब आप इतनी फीस लेंगे। ऐसे गुरुकुल रहे हैं इस देश में, वो हजारों साल पहले से 300 साल पहले तक चलते रहे, जहां शिक्षा भी पूरी तरह निःशुल्क थी। भगवान राम पढ़े या केवट, या केवट का लड़का पढ़े या राम जी के लव और कुश पढ़े, एक ही आश्रम में एक ही गुरुकुल में नाव चलाने वाले मल्लाह का बेटा भी पढ़ता है और भगवान श्री राम जो चक्रवर्ती सम्राट है उनके भी सुपुत्र पढ़ते हैं। वाल्मीकि आश्रम में आप जानते हैं लव और कुश की शिक्षा हुई और शिक्षा उनके साथ हुई जहां वो मल्लाह के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते थे। संजीवनी गुरु के गुरुकुल का आप सबने जाना है कि वही भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ते रहे और सबसे गरीब सुदामा भी वही पढ़ते रहे। ये भारत की परंपरा है। शिक्षा यहाँ पैसे के आधार पर कभी नहीं रही, चिकित्सा यहाँ पैसे के आधार पर कभी नहीं रही और न्याय भी नहीं रहा कभी भी पैसे के आधार। आप सभी जानते हैं गांव की व्यवस्था है। हमारे यहाँ चौपाल लगती है, अभी भी मेरे गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में, वहाँ चौपाल लगती है। सारे मामले आते हैं और वहाँ पंच बैठते हैं, पंच, और जब वो पंच बैठ जाते हैं तो सारे मामले सुलझा देते हैं। न कोई वकील होता है, न कोई फीस होती है, सारे बड़े बड़े मामले सुलझ जाते हैं। राजस्थान में जाओ तो, गुजरात में जाओ तो, कहीं भी चले जाओ भारत के किसी भी राज्य में, अभी भी पंच बैठते हैं गाँव की व्यवस्था। तो न्याय यहाँ निःशुल्क मिलता रहा, शिक्षा निःशुल्क मिलती रही, चिकित्सा भी सबके निःशुल्क होती रही। शायद ये तीन बातों पर ही भारत दुनिया में सबसे आदर्श देश बना। और ऐसा कहा गया कि भारत में तो राम राज्य था, वो राम राज्य का मतलब नहीं था। लेकिन जब से अंग्रेजों की व्यवस्था इस देश में आई, अंग्रेजों ने हमारी सारी व्यवस्थाएं तोड़ दी, शिक्षा को पैसे से जोड़ दिया, चिकित्सा को पैसे से जोड़ दिया, न्याय को पैसे से जोड़ दिया। अब जब ये तीनों चीजें पैसे से जुड़ गई है तो न किसी को न्याय मिल रहा है, न किसी को शिक्षा मिल रही है और न किसी को चिकित्सा हो पा रहा है। जो अमीर है उनको भी नहीं हो पा रहा, वो भी खुद असंतोष व्यक्त करते हैं। पैसे देते हैं, एक एक लाख रुपए महीने की फीस है उनके बच्चों की कॉन्वेंट स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में, फिर भी उनको असंतोष है कि हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, कुछ ठीक से पढ़ नहीं। मतलब सीधा सा ये है कि पैसे से किसी चीज को अगर जोड़ दे और उसमें गुणवत्ता आए, ये बिल्कुल नहीं होता है। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि जो चीज पैसे से जुड़ जाती है तो उसमें गिरावट आना शुरू हो जाती है। चिकित्सा पैसे से जुड़ी इस देश में अंग्रेजों की नीतियों के कारण आज उसमें कितनी गिरावट है कि अभी डॉक्टर डॉक्टर न रहकर व्यवसायी हो गया है। वो आपको सारे टेस्ट इसलिए बताता है कि उसको कहीं से कमीशन आता है। आपको 18-20 दवाएं डॉक्टर इसलिए लिख देता है कि हर दवा बेचने वाली कंपनी उसको कमीशन देती है। ऐसे ही गुरुकुलों का मैंने स्कूलों का हाल है, शिक्षा तंत्रों का हाल है, बाकी दूसरी जगह न्याय तंत्र में भी यही व्यवस्था आ गई है। मेरा ऐसा मानना है कि हम भारत में कुछ ऐसी चीजें जो परंपरा में बहुत अच्छी नहीं है उनको अगर पुनर्जीवित कर सकें तो शायद कुछ अपने देश का ज्यादा अच्छा कर पाए। मेरा अपना प्रयास है पिछले कुछ वर्षों से कि इस चिकित्सा में हम ऐसे देश में कार्यकर्ता तैयार करें, प्रशिक्षक तैयार करें जो पुरानी भारत की परंपरा के आधार पर सबको निःशुल्क चिकित्सा दे सके। और कम से कम चिकित्सा ना दे सके तो निःशुल्क चिकित्सा का ज्ञान तो दे सके कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा कर दो। मेरा ऐसा टारगेट है, लक्ष्य है वो ये कि मैं सर्टिफाइड डिग्री होल्डर डॉक्टर्स, उनकी मुझे कोई परवाह नहीं, वो सर्टिफाइड डिग्री होल्डर डॉक्टर्स जैसे अपना धंधा चला रहे वो चलाते हैं, लेकिन इसी देश में उनके समानांतर 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 ऐसे प्रशिक्षक तैयार हो जाए जो बिना पैसा दिए, बिना कॉमर्शियलाइज किए, बिना मोनेटाइज किए
चिकित्सा को सेवा के रूप में फिर शुरू कर सके, जैसे कि हमारे वैद्य किया करते हैं। इस दृष्टि से मैंने ये अष्टांग हृदय का विषय चुना और इसी दृष्टि से मैं कोशिश में लगा हूँ कि मेरे जैसे कम से कम 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे प्रशिक्षक भारत के हर हिस्से में तैयार होते जाए। जितना ज्ञान मैंने ले लिया उतने ज्ञान के आधार पर वो आगे आ जाए, फिर जरूरत पड़े तो दूसरों को वो तैयार करे, और ऐसे करते करते समाज में आज नहीं तो 20 साल बाद ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई भी गरीब आदमी इसलिए ना मर जाए कि उसको चिकित्सा नहीं मिले, कोई बीमार आदमी इसलिए ना मर जाए कि उसको ज्ञान नहीं था। मरना सबको है, मुझे भी और आपको सबको, जीवन है तो मरना है, जन्म तो मृत्यु, सभी मरे लेकिन सुख के साथ और शांति से। जीवन का समय पूरा हो गया, हमें जाना है, बात खत्म हुई। ये नहीं कि कैंसर की एक दर्द में तड़प तड़प कर, डायबिटीज के इंसुलिन के इंजेक्शन ले लेकर, किडनी फेल हो गई है अब उसका डायलिसिस करा करा कर, ऐसे मरने का भारत के किसी शास्त्र में कोई विधान नहीं। भारत के शास्त्रों में मृत्यु भी ऐसे ही है जैसे जन्म। पुराने शास्त्रों में मैं पढ़ता हूं तो एक जगह में देख रहा था इतनी सुंदर बात कही गई कि जन्म लेने में फिर भी पीड़ा होती है, मृत्यु तो पीड़ा रहती है। हमारे शास्त्र को यहां की बात, जन्म लेने में भी पीड़ा है, जन्म देने वाले को भी, मां को भी और बच्चे को, उसमें थोड़ी पीड़ा है लेकिन मृत्यु तो पीड़ा रहित है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में मृत्यु को उत्सव कहा गया है। तो हम हमारे देश में मृत्यु को उत्सव की तरह से लेना शुरू करें या ऐसी व्यवस्था बनाए, इस भावना के साथ यह अष्टांग हृदय के कुछ सूत्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस अपेक्षा से कि आप इनका अपने जीवन में उपयोग करें, अपनी बीमारियां दूर करें दूसरों की। मैं भारत के शास्त्रों को पिछले कुछ वर्षों से पढ़ना शुरू किया है तो भारत में एक बड़ी सुंदर व्याख्या है शास्त्रों में, ये बहुत विस्तार से कहा गया, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि भारत में हर व्यक्ति ने जिसने जन्म लिया है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। तो आप कहेंगे मोक्ष की प्राप्ति, हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे हम धंधा करें, चाहे धर्म करें, उपासना करें, व्रत करें, पर्व मनाएं, त्योहार अपना, ये सब कुछ हमें मोक्ष की तरफ लेके जाए, ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ये मुख्य है हमारे देश मोक्ष की प्राप्ति। बहुत दिन में घूमता रहा तो मोक्ष मिलता कैसे, कई दिन मुझे ऐसा लगा कि किसी को गुरु बना लो तो गुरु शायद मोक्ष में लेके जाएगा, फिर एक दिन लगा कि नहीं अगर गुरु मुझे मोक्ष में ले जा सकता तो गुरु पहुंच जाएगा मैं, मेरा जीवन तो पार हो। फिर मैंने सोचा बहुत धर्म करो, बहुत कर्म करो, पवित्रता लाओ दिल में जीवन में, शायद उससे मोक्ष हो जाएगा। भटकते भटकते एक दिन मुझे एक सूत्र मिला, वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा और भगवान कृष्ण के पहले राम जी ने लक्ष्मण को कहा और शायद राम के पहले कोई नहीं हो तो उन्होंने किसी को कहा, समानांतर सतत हजारों साल से वो सूत्र चला आया कि मोक्ष किसको मिलता है, मोक्ष मिलने की एक ही कंडीशन है, वो सब अपने जीवन में कर सकते हैं, कि जो व्यक्ति त्रिविध दुखों से मुक्त होता है। आप जानते हैं हमारे देश में तीन दुख माने गए, हमारी सभ्यता में तीन दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, शरीर का दुख माने सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, डायबिटीज हो गई, अर्थराइटिस हो गई, कैंसर हो गया, ये सब दैहिक दुख है। और एक दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ, बिहार में बाढ़ आ गई ये दैविक दुख है, कहीं पर भूकंप आ गया दैविक दुख, और तीसरा है भौतिक। भौतिक दुख माने खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये भौतिक दुख। तो भारतीय शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति तीन दुखों से मुक्त हो, दैहिक, दैविक और भौतिक, और वही व्यक्ति दूसरों को इन तीनों दुखों से मुक्त कराने का काम करे तो मोक्ष जाने का अधिकारी है। ये है हमारे देश की परिभाषा, जो व्यक्ति दैहिक, दैविक और भौतिक
तीन दुखों से मुक्त है, वही व्यक्ति दूसरों को इन तीनों दुखों से मुक्त कराने का प्रयास करे तो वो मोक्ष जाता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति दैहिक दैविक और भौतिक दुखों से तो मुक्त हो गया, लेकिन दूसरों को मुक्त कराने के लिए कुछ नहीं कर रहा तो मोक्ष नहीं होता। माने आप अकेले अपने सब दुख दूर कर लिए, दूसरों का करने के लिए कुछ नहीं किए तो मोक्ष नहीं होता। तो पहले अपना दूर करें, फिर दूसरों के दुख दूर करें, तो जाके मोक्ष होता है। इसलिए हम सब इस ज्ञान को मोक्ष के लिए ज्ञान है ऐसा मानकर इसको ध्यान रखें। जो ज्ञान हमें मिलेगा अगले 10-11 दिनों में, वो हमें तीनों दुखों से मुक्त कराएगा और दूसरों को मुक्त कराने के लिए हमारे मन में प्रेरणा देगा, तो शायद हम सब भी मोक्ष जाने के अधिकारी हो जाए। इस भावना से, इस दृष्टि से मैं सूत्रों की शुरुआत करता हूँ। पहला सूत्र भागवत जी जो कहते हैं वो हम सब जानते हैं। वो सूत्र ये है कि हमारा ये जो शरीर है ये तीन दोषों से बना है, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर में तीन दोष है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों में अगर समानता है, वात जितना होना चाहिए उतना है, पित्त जितना होना चाहिए जितना है, कफ जितना होना चाहिए जितना है, तब तो हम स्वस्थ रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत हमें बीमार नहीं कर सकती। लेकिन अगर वात, पित्त और कफ में असंतुलन आ गया तो बीमारी आ जाएगी। वात की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी जरूरी है, वात जरूरी है, दोष है फिर भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है, दोष है फिर भी जरूरी है, कफ भी जरूरी है, दोष है फिर भी जरूरी है। इन तीनों दोषों की जितनी जरूरत शरीर को है उतने अगर ये है तो व्यक्ति 100 साल, 200 साल, 300 साल या हो सकता है कभी हजारों साल स्वस्थ रहता है। हमारे देश में ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण। अगर ये तीनों दोष समान है तो कोई बीमारी कभी आ नहीं सकती, दुनिया में कितनी भी विपरीत परिस्थिति में आ गया है। लेकिन अगर ये तीन दोषों में कुछ ऊंचा नीचा आ गया, कोई कम कोई ज्यादा हुआ, तो आपको बीमारियां आएंगी। ये है पहला सूत्र। भागवत जी के अष्टांग हृदय का पहला सूत्र है कि वात, पित्त और कफ तीनों दोष शरीर को बनाते हैं। अगर ये समान है तब तो आपका जीवन स्वस्थ है, इनमें असमानता आई तो आपका जीवन खतरे में पड़ेगा। वात, पित्त अगर तीनों सब वात, पित्त, कफ तीनों समान है तो आयु को लंबा करते हैं, दीर्घायु बनाते हैं, और इतना असमानता आ जाए तो किसी की भी जान ले लेते हैं। शरीर को वात चाहिए, वात माने वायु, पित्त आप समझते हैं, पित्त एक तरह का रसायन मान लीजिए जो हमारे पेट में मध्य भाग में पैदा होता है। मैं आपको भागवत जी के और एक दूसरे सूत्र को पहले सूत्र से मिला के बोल देता हूं। वात या वायु दोनों एक ही है, इनका उत्पन्न होने का स्थान है कमर से लेकर अंगूठे तक। वात या वायु ये उत्पन्न होते हैं, वायु या वात कमर से अंगूठे तक। पित्त का स्थान है कमर से लेकर हृदय तक, छाती तक। और कफ का स्थान है हृदय से लेकर मस्तिष्क के अंतिम हिस्से। कफ मस्तिष्क से हृदय तक, कफ हृदय से लेकर कमर तक, हिप जॉइंट्स जहां है वहां तक पित्त, और हिप जॉइंट से लेके अंगूठे का आखिरी हिस्सा ये है वायु। तो वायु का स्थान है अंगूठे से कमर तक, पित्त का स्थान है कमर से हृदय तक, और हृदय से ऊपर मस्तिष्क तक कफ का स्थान है। ये तीन दोष कहां कहां है, ये शरीर में तीन स्थान है। अभी ये तीन दोष जहां है वहां संतुलित है तब तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ी आएगी। अगर वायु का स्थान ये कमर से लेकर अंगूठे तक है वहां तक है तो ठीक है, अगर ये ऊपर चढ़े तो तकलीफ होगी। इसीलिए
पित्त का स्थान इसी तरह पित्त का स्थान हृदय से लेकर हम स्तर है वहां है तो ठीक है, ये आगे पीछे हो गया तो ये कफ का स्थान है हृदय से मस्तिष्क तक जहां है वहीं रहे तो ठीक है, आगे पीछे होगा तो ये तकलीफ करेगा। तो इनका आगे पीछे होना तकलीफ का कारण बनता है, इनकी मात्रा में असमानता आना हमारी बीमारियों का कारण है। तो बस हमें जीवन में एक ही बात को ध्यान रखना है कि हमारा वायु बात हमारा पित्त हमारा कफ तीनों समान रहे और जहां है वही रहे, ज्यादा उथल पुथल न हो। इसके लिए बागवत जी ने सारे सूत्र कहे, सारे के सारे सूत्र उन्होंने इसी के लिए कहे कि वात पित्त कफ तीनों जहां यथा स्थान रहे और संतुलित रहे। इसके लिए अपने जीवन में हम क्या क्या करें कि वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे जहां है वहां। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहला काम ये करें कि खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए, ये पहला सवाल। भोजन अंते विषम वाणी ऐसे करके कहा गया है सूत्र, भोजन अंते विषम वाणी, भोजन अंत माने खाने के अंत में, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है, ये सूत्र है। इसको आप नोट कर हिंदी में नोट कर ले, भोजन के अंत में पानी ना पिए, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, ये सूत्र है। अब इसको समझ, सूत्र तो हो गया। भागवत जी की विशेषता है कि वो सूत्र में पूरी बात कहते हैं। विश्लेषण भी आप करिए, अपना दिमाग लगाइए और विश्लेषण करिए। तो मैं थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ, पानी क्यों नहीं पिए, क्या कारण है उसका। बात ऐसी है कि जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके जीवन का आधार है, भोजन आपके जीवन का आधार है। ये शरीर को चलाने के लिए भोजन सबसे बड़ा साधन है, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या गाड़ी को चलाने के लिए डीजल, रसोई गैस को चलाने के लिए एलपीजी गैस, ये सब सबसे बड़े साधन है, वैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन सबसे बड़ा साधन है। बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता, शरीर को जो कुछ चाहिए वो सब भोजन से मिलता है। तो शरीर को जो चाहिए वो भोजन से मिलता है, इसका माने ये है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका भोजन। अब भोजन आप करते हैं शरीर की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा के लिए शरीर को, उस ऊर्जा के आज की भाषा में कई तरह के नाम है, जैसे प्रोटीन्स मिले वो ऊर्जा का एक हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिले वो ऊर्जा का एक हिस्सा है, वसा मिले वो ऊर्जा का एक हिस्सा है, जिसको फैट्स आप कहते हैं। तो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स आदि आदि शब्दों में बात आधुनिक विज्ञान करता है, कुछ शब्द आपने ध्यान में लाए भी हैं, लेकिन ये सब ऊर्जा के अंग हैं। तो हमको भोजन चाहिए ऊर्जा के लिए और भोजन की जरूरत हमें है शरीर को चलाने के लिए। तो आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद सारा का सारा भोजन इकट्ठा होता है पेट में एक छोटे से स्थान पर, उसको हम कहते हैं जठर, जठर संस्कृत शब्द है जठर, हिंदी में भी ये आ गया जठर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रियम और इसका एक और नाम है हिंदी में आमाशय, जठर आमाशय एपिगैस्ट्रियम, ये एक स्थान है हमारे पेट में, हमारी नाभि जहां होती है उसके लेफ्ट साइड बाईं छोटा स्थान, ये इतना स्थान है कि यहाँ पर 350 से 400 ग्राम तक ही भोजन आ जाए, इससे ज्यादा ना आए, कैपेसिटी नहीं, छोटा ही ज्यादा ना आए। तो ये जो स्थान है जठर, इसमें सारा भोजन इकट्ठा होता है, जो भी आप खाते हैं जो भी आप पीते हैं सब कुछ जठर में आता है। और जठर की एक व्यवस्था है कि जठर नाम के स्थान पर अग्नि प्रदीप्त होती है इस भोजन को पचाने के लिए, उसी को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोल देते हैं जठर अग्नि, आपने सुना होगा शब्द। तो जठर एक स्थान है, वहां पर अग्नि है, उसको कहते हैं जठर अग्नि। ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो भोजन पचता है,
भोजन का पाचन होता है। और शरीर की व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही आप भोजन करेंगे अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो जाती है। व्यवस्था इतनी ऑटोमेटिक है, ऐसा है एकदम सेकंड से छोड़ में अग्नि प्रज्वलित हो जाए। आपने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, चबाना शुरू किया, अग्नि प्रज्वलित हो गया। ये अग्नि ऐसे ही जलती है जैसे आपके रसोई घर में रसोई गैस अग्नि जलाती है, वैसे ही जठर में अग्नि जलाती है। रसोई गैस की थोड़ी देर में कल्पना करें, आपने बर्तन ऑन किया, तीली लगा दिया, एकदम अग्नि जल गई। अब ये अग्नि जल रही है रसोई गैस की, तो इस अग्नि पर आप कुछ भी रख दो पक जाएगा, पानी रख दो गर्म हो जाएगा, दूध रख दो उबल जाएगा, दूध में चावल मिला के रख दो खीर बन जाएगी, दाल में पानी मिला के डाल दो दाल पक जाएगी, जो भी कुछ है अग्नि के जलते जलते पक जाएगा। लेकिन अगर ये अग्नि बुझ जाए किसी कारण से, मान लीजिए आपका सिलेंडर खत्म हो गया अग्नि बुझ गई, मान लीजिए आपने उस पर पानी डाल दिया अग्नि बुझ गई, किसी भी कारण से अग्नि बुझ जाए, तो जो आपने रखा है पकने के लिए वो कच्चा रहेगा, कभी भी पकेगा नहीं, वो अधपका होगा, आधा कच्चा आधा पका होगा। और आप जानते हैं कि जो चीज आधी कच्ची आधी पकी वो बहुत जल्दी सड़ती है, पूरी तरह से बिना पकी हुई चीज है थोड़ी देर टिकेगी, पूरी तरह से पकी हुई चीज है तो भी थोड़ी देर टिकेगी, आधी कच्ची और आधी पकी सबसे जल्दी सड़ेगी। तो अगर ऐसी कोई खीर बनाने की कोशिश आपने की जिसमें आधा कच्चा आधा पका तो वो खीर सड़ जाएगी, ऐसे ही पेट पर होता है। हमने भोजन किया, भोजन को पचाने के लिए अग्नि जल गई, अग्नि प्रदीप्त हो गई, अग्नि ने भोजन को पचाना शुरू किया, जैसे ही अग्नि ने भोजन को पचाना शुरू किया आपने तुरंत गटगट पानी पी लिया, खाना खाते ही आपने पानी पी लिया, खाना खाते समय अग्नि ने पचाना शुरू किया आपने गटगट पानी पी लिया। अब जैसे ही आप पानी पिएंगे तो ये अग्नि शांत हो जाएगी। अब अग्नि अगर शांत हो गई तो जो खाया है वो पचेगा नहीं, और अगर वो पचेगा नहीं तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन जब पचता है तो रस में बदलता है, और वो रस जब पचते हैं तो उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र अस्थि और वेद बनते हैं। इसमें से मल और मूत्र आपके काम का नहीं है तो शरीर उसको हर दिन छोड़ देता है, बाकी जो मांस मज्जा रक्त है आदि आदि वो सब काम की चीजें हैं, शरीर उन्हें धारण करता है। तो आपने भोजन किया, भोजन करते ही पानी पी लिया, भोजन को पचाने के लिए जो अग्नि जली वो पानी डालने के कारण बुझ गई। जलती हुई अग्नि पर पानी डालेंगे अग्नि बुझेगी, तो पेट में अग्नि जल रही है आपने पानी डाल दिया बहुत जल्दी बुझेगी। और हम तो आजकल आधुनिकता वाले लोग हैं, पानी नहीं डालते बर्फ वाला पानी डालते, चिल्ड वाटर पीते, फ्रिज का पानी डालते तो और जल्दी बुझ गई। अब जब सब बुझ गया तो कुछ पचा नहीं, पचा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो रस नहीं बनेगा विष बनेगा, और उस विष में से 103 बीमारियां पैदा होंगी। 103 भोजन करते ही जो लोग पानी पीते हैं उनको सबसे पहली बीमारी आती है वो है गैस, एसिडिटी, एसिडिटी फिर हाइपर एसिडिटी, फिर हाइपर एसिडिटी के बाद अल्सर, अल्सर के बाद पेप्टिक अल्सर, फिर ये लंबी लंबी सूची होते होते अंत में आता है कैंसर, और कैंसर के बाद कुछ नहीं आता क्योंकि उसके बाद मृत्यु आती है। तो आप सोचिए कि हमारे जीवन में हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, खाना खाते ही अगर पानी पी रहे कितनी बड़ी भूल, भूल का परिमाण कितना बड़ा, मैंने इसका रिजल्ट कितना खतरनाक है। क्या आप एसिडिटी में फंसे, हाइपर एसिडिटी में फंसे, अल्सर हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, बीसियों बीमारियों में होते होते कैंसर तक पहुंच जाए। पेट का कैंसर जिनको भी होता है, आहार नली का कैंसर जिनको भी होता है, उसकी शुरुआत एसिडिटी से ही होती है, ये ध्यान रखिए। और एसिडिटी की शुरुआत होती है खाना खाते ही पानी पीने से,
इसलिए भागवत जी का सूत्र है भोजन अंतरे विषम पानी, मैंने भोजन के अंत में पानी जो है ना पिए। सीधी सी बात, भोजन करते ही पानी ना पिए। अब तुरंत आपके मन में प्रश्न है कब तक, कितनी देर तक पानी ना पिए। तो भागवत जी ने इसके लिए दूसरा सूत्र दिया कि हम जो भोजन करते हैं इसके पचने के तीन चरण है। सारा भोजन पहले लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे में मिक्स होता है, जो पतला खाया लिक्विड, जो ठोस खाया एक दूसरे में मिक्स होता है और वो पेस्ट जैसा होता है। पेस्ट इसको होने में एक से डेढ़ घंटा लगता है। स्वस्थ व्यक्ति है तो एक घंटे में हो जाएगा, थोड़ा बीमार है तो डेढ़ घंटे, ज्यादा बीमारी की स्थिति में दो घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली एक से डेढ़ घंटा। तो एक से डेढ़ घंटे में वो सारा खाना एक दूसरे में मिक्स होकर पेस्ट, फिर इस पेस्ट में से रस बनना शुरू होता है। माने एक से डेढ़ घंटे के बाद आपने जो खाया हो भोजन वो रस में बदलेगा। जब रस में बदलता है भोजन तब पानी की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं कोई भी रस बनाने में पानी लगता है। मैं आपसे कहूं आम का रस बनाओ तो आम का गूदा आप निकालेंगे पल, फिर उसमें पानी मिलाएंगे तो रस तैयार होगा। कोई भी रस पेट में भी तैयार होगा तो पानी की जरूरत पड़े। तो जब पानी की जरूरत पड़े तब पानी पिए। मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के एक से डेढ़ घंटे के बाद ही पानी पिए। तो पहला सूत्र हो गया खाना खाते तुरंत पानी नहीं पिए। दूसरा सूत्र हो गया खाना खाने के लगभग एक से डेढ़ घंटे के बाद ही पानी पिए। अब आप तुरंत एक और प्रश्न करेंगे कि अच्छा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आए, पानी के अलावा कुछ और पिए क्या? पानी तो नहीं पिए, खाना खाते ही ये समझ में आ गया डेढ़ घंटे बाद पिए, लेकिन खाना खाते ही कुछ पी सकते हैं क्या? तो इसके लिए तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र ये है कि भोजन करने के बाद अगर आप कुछ पीना चाहते हैं तो तीन द्रव्य पदार्थ पिए। तीन द्रव्य पदार्थ, पहला द्रव्य पदार्थ है वो है मट्ठा, छाछ, मज्जे, तक्रम, जो भी आप दही में पानी मिला के जो मथा हुआ है और मक्खन जिसका निकाल लिया गया है, ये सब। तो आप पहला द्रव्य पदार्थ जो पी सकते हैं वो ये। दूसरा द्रव्य पदार्थ जो पी सकते हैं वो है दूध। दूध, दूध। और तीसरा द्रव्य पदार्थ जो हम पी सकते हैं खाने के तुरंत बाद वो है फल के रस, फलों के रस, जूस। फिर से दोहराता हूं सूत्र को, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है पहला सूत्र, पानी पीना है तो एक से डेढ़ घंटे के बाद पीना है दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है कि कुछ भी पीना है भोजन के बाद तो या तो लस्सी, मट्ठा, छाछ, मज्जे, तक्रम, या तो दूध या तो जूस। अब चौथा सूत्र है कि लस्सी कब पीनी है, दूध कब पीना है, जूस कब पीना है, इसका भी समय है। हर समय लस्सी नहीं पी सकते और हर समय दूध भी नहीं पी सकते और हर समय जूस भी नहीं पी सकते। तो आयुर्वेद में भागवत जी ने कहा उनके शास्त्र में अष्टांग योग में कि मट्ठा पीने का, छाछ पीने का, तक्रम पीने का समय है दोपहर का। दोपहर को भोजन के बाद आप लस्सी, छाछ, मज्जे, तक्रम आदि पिए। दूध पीने का समय है शाम का और जूस पीने का समय है सवेरे का। सवेरे के समय आप कुछ खा रहे हैं, मतलब सीधा सा नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, तो आप जूस पिए। दोपहर का खाना खा रहे हैं, मतलब लंच, तो आप लस्सी, मट्ठा, छाछ आदि पिए। और रात का खाना खा रहे हैं तो दूध। रात का माने शाम का, रात्रि भोजन निषिद्ध है अष्टांग योग। गलती से मेरे मुंह से रात निकल जाए तो उसको समझना सूर्यास्त से पहले। भागवत जी ने कहा कि सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन हो जाए तो अच्छा।
तो आप शाम का खाना खाएं तो दूध पी सकते हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं तो आप हमेशा लस्सी और मिठा पी सकते हैं, सुबह का खाना खा रहे हैं तो जूस पी सकते हैं। अब कुल मिलाकर अभी कुल मिलाकर मैंने आपको चार सूत्र बता दिए, फिर से रिपीट करता हूं ताकि आप रोजा लिख लिया है आपने तो अच्छा छूट गया हो। पहला सूत्र था खाना खाते ही तुरंत पानी न पिए, दूसरा सूत्र था खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए, तीसरा सूत्र था खाना खाते ही अगर कुछ पीना है तो लस्सी मट्ठा या जूस पिए, सॉरी लस्सी दूध और जूस पिए, और आखिरी सूत्र अभी तक का जो है वो ये लस्सी पीनी है मट्ठा पीना है तो दोपहर को पिए, दूध पीना है तो शाम के भोजन के बाद पिए, और जूस पीना है तो सवेरे के भोजन के बाद यानी ब्रेकफास्ट के बाद। अब इसमें आपके मुझे सवाल आएगा कि जूस सवेरे क्यों पीना, शाम को क्यों नहीं पी सकते, लट्ठा मट्ठा या लस्सी दोपहर को क्यों पीना, रात को क्यों नहीं पी सकते, और दूध रात को ही क्यों पीना, शाम को ही क्यों पीना, दिन में क्यों नहीं पी सकते। बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है ना ये बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित है, इसकी व्यवस्था है भगवान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई, वो हमारी आपकी बनाई हुई। इसकी व्यवस्था क्या है कि इस शरीर में भोजन को पचाने के लिए अलग अलग तरह के रसों की जरूरत पड़ती है जिनको आधुनिक विज्ञान में हम एंजाइम्स कहते हैं। दूध को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स होने चाहिए, दही को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स चाहिए, और जूस को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स चाहिए, ये तीनों हमें चाहिए शरीर में। अब दूध को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो शाम को ही सबसे ज्यादा होते हैं पेट, शाम जब सूरज ढलना शुरू होता है और अस्त होने तक सबसे ज्यादा एंजाइम्स पेट में जठर में होते हैं दूध को पचाने वाले। दोपहर जब सूरज एकदम तमतमाता हुआ होता है तीव्रता में तो एंजाइम्स होते हैं दही और लस्सी को पचाने, और सुबह के समय जब हम सोकर उठते हैं और सूर्योदय हो चुका होता है उस समय एंजाइम्स होते हैं जूस को पचाने वाले, फल को पचाने। तो बागवती जी का ये कहना है या शास्त्रकों का ये कहना है, शास्त्रियों का ये कहना है, सभी का ये कहना है, भागवत जी अकेडमी आयुर्वेद के सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब जिस चीज को पचाने वाले एंजाइम्स हो उस समय वो चीज को खाएंगे और पिएंगे तो उसका एक एक कतरा एक एक बूंद शरीर के काम आएगा। सवेरे जब जूस को पचाने वाले एंजाइम्स आपके शरीर में है तो सवेरे जूस पिएंगे तो जूस की एक एक बूंद आपको पचेगी ठीक से। ऐसे दोपहर को दही और मट्ठे के एंजाइम्स हैं तो मट्ठे का एक एक बूंद शरीर के काम आएगा, और ऐसे ही दूध वाले एंजाइम्स जब है तो दूध की एक एक बूंद काम आएगी। तो कहा गया है शास्त्रों में कि जब जिस वस्तु को पचाने वाली पाचक वाले शरीर में हो उसी समय उस वस्तु को खाना और पीना हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो जूस वाले एंजाइम्स सवेरे सवेरे जूस पिए, जूस नहीं पी सकते तो सुबह फल खाएं, फल खाने का सबसे अच्छा समय सवेरे बताया गया है, जूस पीने का भी सबसे अच्छा समय सवेरे बताया गया है, दूध पीने का समय शाम को बताया गया है, दही और लस्सी का तो हमारे जो गुरु रहे हैं श्री धर्मपाल जी वो बार बार मुझे एक बात कहते थे कि जिस ज्ञान को जीवन भर इस्तेमाल करना हो उसको दोहराते रहना चाहिए। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सूत्र की बात करते हैं, छठवां सूत्र। वो सूत्र ये है कि पानी जब भी पिए, कभी भी पानी पिए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पीना है ये तो पक्का ही है, लेकिन जब भी पानी पिए तो पानी को घूट घूट भर के पिए, सिप सिप करके पानी पिए। इसका बहुत महत्व है आयुर्वेद में, बहुत महत्व है इसका अष्टांग हृदय में, बहुत महत्व है आयुर्वेद के सभी शास्त्रों में। पानी हमेशा घूट घूट भर कर पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए, जैसे आप गर्म चाय पीते हैं, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं वैसे आपको पानी पीना है। अभी हमारी जो
आदत है पानी पीने की वो कुछ इस तरह की है कि हम गटागट पानी पी लेते हैं। एक गिलास हमने पानी लिया और पूरा जल्दी 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 पी लिया, या एक लोटा पानी लिया और बहुत जल्दी जल्दी पी लिया। ये जल्दी जल्दी पानी पीने में और धीरे धीरे पानी पीने में कितना अंतर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में मुंह जो है हमारा, ये भगवान का बनाया हुआ बहुत बढ़िया मशीन जैसा है। इस मुंह में हमेशा लार पैदा होती है, अंग्रेजी में आप उसको सलाइवा कह सकते हैं, सेलिवा कह सकते हैं। मुंह में हमेशा लार पैदा होती है और ये लार पैदा होती है अंदर जाने के लिए हमेशा, ये बाहर थूकने के लिए नहीं है। हमेशा याद रखिए इस बात, ये लार पैदा हुई है अंदर जाने के लिए। अगर कोई लार को बाहर थूक रहा है तो जैन दर्शन के हिसाब से तो वो हिंसा कर रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से वो अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। क्या नुकसान होता है लार को थूकने से? लार है अंदर जाने के लिए, इसको थूकने का काम नहीं करे कभी भी, ये अंदर जाने के लिए है। जब तक कि आप कोई ऐसी गंभीर बीमारी में ना फंसे हो कि आपको थूकना जरूरी हो, जैसे आपको दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उस स्थिति में हो सकता है कि बलगम आता है लार के साथ, तो वो थूकना ठीक है। लेकिन स्वस्थ आदमी को, सामान्य व्यक्ति को बलगम अगर नहीं आ रहा तो ये लार अंदर जाने के लिए है। ये लार जो होती है, इसको रसायन शास्त्र की भाषा में अगर कहा जाए तो ये क्षारीय होती है, एल्केलाइन। वो स्वदेशी है क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद से ये निकली, लेकिन बीच में क्या हुआ, इस पर भारत में काम नहीं हुआ तो ये परदेश चली गई, फिर वहां से ये वापस आई तो नाम बदल हो गया उसका। औषधि सभी आयुर्वेद की है, इसमें जितनी भी औषध है सब आयुर्वेद की। यूनानी बिल्कुल अलग चिकित्सा पद्धति है, वो यूनान माने यूरोप के देशों से निकली है, उसका कुछ कुछ मेल जोल जो है ना आयुर्वेद से है, पूरा नहीं है। जैसे हम बात पित्त कफ की बात करते हैं, उनके यहाँ सोरा सिफिलिस इस तरह के हैं, तो उनकी थोड़ी अलग है पद्धति। आयुर्वेद आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, जर्मनी से आया नहीं। एल्कोहल तो भारत की बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियों में है, सभी लगभग आयुर्वेद की औषधि, जितने भी आसव बनते हैं ना, आसव द्राक्षासव है, ये आसव सभी अल्कोहल है। तो अल्कोहल होने से विदेशी होना नहीं है। इसमें हुआ ये कि पहले ये भारत में निकली 3,500 साल पहले, थोड़ा इसका काम हुआ, प्रचार भी हुआ, फिर बीच में क्या हुआ कि हमारे लोगों ने उस पर ध्यान कम दिया, इसलिए कि शायद इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। तो धीरे धीरे जिस पर ध्यान कम दो ना, खत्म होने लगता है। तो 100-200 साल ध्यान नहीं दिया तो खत्म सा हो गया। फिर मध्य काल में आयुर्वेद जब यहाँ से बाहर गया, पुर्तगाली यहाँ से ले गए सबसे पहले, फिर पुर्तगालियों से स्पेनिश लोगों ने सीखा, स्पेनिश लोगों से जर्मन लोगों ने सीखा, तो जर्मनी वालों के हाथ में कुछ आयुर्वेद की पुरानी ग्रंथ आए जिसमें सूक्ष्म चिकित्सा है। सूक्ष्म चिकित्सा माने औषध को सूक्ष्मतम रूप में देना, तो उसका प्रभाव ज्यादा है। ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का। कोई औषध है जितने कम से कम में आप दोगे असर उतना ही ज्यादा है उसका। स्टीरॉयड होम्योपैथी में तो किसी में नहीं है, आयुर्वेद में कभी कभी होता है, होम्योपैथी में स्टीरॉयड मिल नहीं सकता। तो इसको उन्होंने, जर्मनी वालों ने थोड़ा इसको फाइन किया, इस पे काम किया, फाइन किया, फाइन करके जब ये प्रचारित हुए तब ख्याल में आया कि ये तो पहले भी था भारत में। उन्होंने फिर क्या किया, औषधियों के नाम सब जर्मन के हिसाब से रख दिया, जर्मन, फ्रेंच और उन भाषाओं से। जब मैं नाम बोलता हूँ नक्स वोमिका, ये जर्मन नाम है, या आर्निका, ये जर्मन नाम, तो ये जर्मन और फ्रेंच दो भाषाओं में से निकले हुए ज्यादा नाम, अंग्रेजी नाम उसमें बहुत ही कम है। हाँ सब बनती है ये, क्योंकि बनती तो सब जड़ी बूटियों से है। जैसे नीम है, नीम में से कई औषधि निकलती है, तुलस में से कई औषधि बनती है, आल में से कई औषधि बनती है, चूने की निवड़ी है उसमें से एक औषधि बनती है, कैल्केरिया फॉस, जो मैं बहुत लोगों को बताता रहता हूँ। तो ये सब औषधि ऐसे ही बनती है आयुर्वेद में से, मूल अर्थ होता है उसी में से ये सब बनते हैं। इनके बनाने की विधि ऐसी है कि जैसे मान लो मुझे ये बनाना है कैल्केरिया फॉस, तो कैल्केरिया फॉस ये जर्मन नाम है, हिंदी नाम इसका चूना है,
मराठी नाम चूना है और जर्मन नाम इसका कैल्केरिया सॉस है। तो अब हम क्या करेंगे, चूने को पानी में भिगोएंगे, ठीक है, अब ऊपर पानी आ जाएगा, तो इसमें से एक बूंद पानी लेंगे, चूने का पानी एक बूंद, और 100 बूंद एल्कोहल में उसको डालेंगे, 100 बूंद एल्कोहल में एक बूंद पानी डालेंगे, तो ये पोटेंस से मेडिसिन जितनी कम होती जाएगी मात्रा बढ़ती जाएगी उसकी ताकत औषधि। एक एक बूंद डाला उसमें से एक बूंद निकाल रहा है तो कितनी कम होती है औषधि। तो सूक्ष्मतम रूप में जो औषधि दी जाती है प्रभाव उसका सबसे अधिक होता है। तो ऐसा बार बार करेंगे तब 12x तैयार होगा, और 200 बार करेंगे इसी तरह से एक एक बूंद डाल के उसमें से एक निकाल के तब 200 तैयार होगा। 1 ओम माने 1000 बार ऐसा करेंगे तब वो तैयार होगा। तो आप सोचो कि सबसे अंतिम पोटेंसी होती है सीएम, वो लाखों लाखों बूंद में से एक निकलती है, लेकिन काम इतना तेज करती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीब 1.5 साल हो गया या 2 साल हो गया, एक हमारी बड़ी गाड़ी है आजादी बचाओ आंदोलन की बस है पूरी स्पेशल डिजाइन, वो पलट गया था पूरा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया था, तब बहुत चोट आई थी। तो उस समय मैंने आर्निका, इसकी सबसे ऊंची पोटेंसी सीएम लिया, आर्निका, तो आर्निका की सबसे हाईएस्ट पोटेंसी सीएम जिसमें दवा सबसे कम होती है। और स्थिति ये थी कि मैंने जिस समय दवा लिया उसके 3 घंटे के बाद मैं मेरे काम पे लग गया, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको तो 2-2.5 महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, अंदर की इंजरी है, ये ठीक होने। मैंने कहा तुम डॉक्टर तुम्हारी रखो, मुझे बस इतना बता दें कि कहाँ कहाँ इंजरी है। तो हमारा दोस्त ही है वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने कहा इतनी इतनी है, तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, सीएम पोटेंसी का एक डोज लिया बस, 3 घंटे के बाद मैं व्याख्यान दे रहा था, और लोग हैरान हो गए कि इनको तो कल एक्सीडेंट हुआ था, इनको तो बिस्तर पर होना चाहिए, और मैं व्याख्यान दे रहा था। तो इतनी ताकत है होम्योपैथी की दवाओं में। एलोपैथी वाले कम से कम 2.5 महीने बेड रेस्ट कराते हैं और प्लास्टर बांध देते हैं और वो सब कर देते हैं, मैंने प्लास्टर नहीं बांधने दिया, क्रैक है फिर भी ठीक करता है, बस इतना ही है कि उसको पट्टी बांध के बराबर कर लेना, प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं, वो हड्डी को दवा जोड़ देती है। तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दवा को सूक्ष्मतम रूप में लेना तो सबसे ज्यादा प्रभावी है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये जर्मनी वालों ने ले लिया, उस पर काम किया, फिर अपना सिक्का लगा के दुनिया में फैलाया। और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपनी बात को कभी दूसरे के सामने सिद्ध नहीं करते, नहीं उस समय तक इनके यहाँ इतना रिसर्च नहीं हुआ था, ये तो अभी हुआ है। ये पैदाइशी अपंग है उन पे तो काम होता है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी से जो अपंग हुए एटॉमिक रेडिएशन से, उनके लिए औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है। मैं हो, हाथ में हो, पांव में हो, कहीं भी हो, आप इसकी 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम जीभ पर 10-10 मिनट से या 15-15 मिनट से, जब भी मुक्का मार हुआ उसी समय, जितनी जल्दी दें उतना अच्छा। तो ये औषध जो है, अरे 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम सीधे जीभ पर 10-10 मिनट से, इतना ही अगर आपने दे दिया तो उसका 1000 रुपए बच जाएगा। अभी ये बताते हैं, इनका एक दोस्त है, थोड़ी चोट लग गई, मोटरसाइकिल से 30,000 खर्च हो चुका है अभी तक, और अभी भी डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है, और डॉक्टर कह रहा है कि सिर में चोट है, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और 1 महीना रखना पड़ेगा। और ये औषध जो है ना 24 तास में ठीक कर देते, आपने दिया, देने के ठीक 24 तास के बाद बराबर हो जाता है, कितनी भी गहरी चोट हो। बहुत कम ऐसा होता है कि इस औषध को दूसरी बार देना पड़े, एक दिन दे दिया 10-10 मिनट से 2-2 थेम उतना ही काफी है। ये औषध उसके बहुत काम की है जिनको मुक्का मार होता है, किसी भी कारण से हो, बच्चों को हो तो ये पानी में डाल के देना है, 1/3-1/4 कप पानी में डाल के उसमें से 2-2 चम्मच पानी 3 बार। इस औषध के इतने अच्छे काम है कि जब भी मुक्का मार होता है तो सूज आती है और सूज को तुरंत ठीक करती है। दूसरा, जो सेल्स हैं हमारे, कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं है ना, वैसे ही मांस कोशिकाएं होती है, उनमें भयंकर टूट फूट होती है जब मुक्का मार होता है, तो कई कोशिकाएं मर जाती हैं, नई नई बनती वहां पर, जब तक नई नई बनती तब तक सूज नहीं जाती, तो ये तुरंत नई कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती है। बहुत अच्छी औषध है, ये औषध सबके पास होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए, क्योंकि ये मुक्का मार अक्सर होती रहती है। फ्रैक्चर भी एक तरह का मुक्का मार ही है ना, उसमें भी, हाँ बिल्कुल, अभी दिया ना उस बच्चे को, आप ये दवा का नाम लिख लो,
ये दवा सवा वर्ष हो या 50 वर्ष हो, आप ले लो ये दवा, लिख लो, कल मंगा लेना, कल ही तीन 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 बार ले लेना, परसों से आपका दर्द खत्म हो जाएगा। 10 वर्ष पुराना हो या 50 साल पुराना, प्लास्टर हो गया तो ठीक है, आप ये औषध तो दे ही दो। फ्रैक्चर भी मुक्का मारी है एक तरह का, हड्डी में चोट है, अंदर की चोट है, हाँ तो भी थोड़ा अगर पट्टी ही बांध दिया और ये औषध दे दिया तो चलेगा, ठीक कर देगी। हाँ हाँ, हड्डी टूट गया, बाजू में सरक गया तो उसको हड्डी के साथ जोड़ दो, पट्टी बांध दो और ये औषध दे दो, जुड़ जाएगा। हम्म, वो अपने आप जोड़ देगा। आप तो हड्डी को हड्डी के नजदीक रख दो और पट्टी बांध दो, हिलना नहीं चाहिए, वो उसी को जोड़ देगा। कितना भी अंतर हो, नजदीक लाओ उस हड्डी को दूसरी हड्डी के, डॉक्टर भी यही करता है। कितना भी बड़ा अंतर है, हड्डी को हड्डी के साथ बिठाता है, प्लास्टर बांध देता है। अरे यार, अगर छोटा मोटा है, उंगली उंगली का अंगूठे का, तो कोई भी कर लेता है, हाथ पांव का है तो तकलीफ आती है, लेकिन अभ्यास से तो सब सीखा जा सकता है। लोग गांव में ये जोड़ देते हैं, वो क्या MBBS है? गांव में ये लोग जो हड्डी जोड़ते हैं वो कोई MBBS थोड़ी है, अभ्यास से सीखे हैं। आप भी सीख सकते हैं। चोट का पुराना जितना भी दर्द है ना, वो दुखता ही है हमेशा, जब तक अंदर से मुक्का मार जो है ना ठीक नहीं हुआ। इसलिए ये औषध आप हमेशा याद रखिए, कभी भी एक्सीडेंट हुआ, सिर गिर गए, पेड़ से गिर गए, छत से गिर गए, कोई चोट लग गया, पांव मुड़ गया, कुछ भी हुआ, किसी ने टक्कर मार दिया, अंदर की चोट जिसमें खून नहीं निकला, उसकी सबसे अच्छी औषध यही। एक ही संधिवात में ये चलेगा कि बहुत दर्द हो संधिवात में और उसका शरीर को छोड़ तो भी उसको दर्द हो, इतना तेज दर्द हो, तब चलेगा, बाकी किसी में नहीं। ये जो औषध है ना, ये तो एक है ही, इसके साथ मुक्का मार जिनको भी होता है उनको तुरंत चूने की निवड़ी खानी चाहिए। ये औषध तो लिया, इसके साथ चूने की निवड़ी, दही के साथ खाओ, नहीं तो पानी में डाल के खाओ, आधा पौना घंटे के बाद छोड़ दो, अगले दिन से चूने की निवड़ी शुरू कर दो खाना। अगर खाली अंदर की चोट है तो ये पर्याप्त है, लेकिन हड्डी टूट गई अगर तो चूने की निवड़ी शुरू करो फिर खाना। 2 चम्मच चूने की निवड़ी, आधा कप पानी या आधा कप दही, वो तो कम से कम 1-1.5 महीने हड्डी को जोड़ना है तो। हड्डी को जोड़ने के लिए कैल्शियम लगता है, ठीक है। हाँ, खून निकलता है अगर एक्सीडेंट में, खून निकल गया एक्सीडेंट में तो खून बनना चाहिए वापस उतना शरीर में, तो ऐसी औषध देना जो तुरंत खून बनाए, है ना। पहला काम तो ये। दूसरा, अगर वो चोट लगी और कुछ चोट ऐसे लगी, लोहे से लगी, कीला लग गया, लोहे का लगा, फट गया, ठीक है, तो डॉक्टर वो ATS का इंजेक्शन देता है, एंटी टिटनेस, धनुर्वात आप जिसको कहते हैं, उसका इंजेक्शन नहीं लेना हो तो एक औषधि है, उसका नाम है हाइपेरिकम। ये कितना भी खराब जंग लगा, लोहा लग गया, कितना भी खराब हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी खराब हो, सीधे आप ले लिया तो ये बिल्कुल टिटनेस नहीं होने देता, धनुर्वात नहीं होने देता, बहुत अच्छी इस औषधि। तो चोट लगी, अगर खून नहीं निकला तो भी तारनिका दीजिए, खून निकला और उसमें कुछ लोहा लगा है या कुछ लगा है तो हाइपेरिकम दीजिए। हाइपेरिकम खून निकलना बंद कर देगा और तुरंत नया खून बनाएगा, जितना निकल गया उतना ही बनाएगा, है वो 2-2 3 10-10 मिनट से सीधे जीभ पर 3 बार। नहीं, जितना गया उतना बनाए, रक्तदान में नहीं, चोट में जो गया, हाँ रक्तदान में नहीं होता, रक्तदान में उसके लिए नहीं है ये औषधि। ये तो सिर्फ हमारा एक्सीडेंट हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ, सिर फट गया या जो भी कुछ हुआ, उस समय के लिए रक्त निकल गया तो काम आने वाली औषधि। अंदर खून जमा है तो उसकी अलग औषधि है, नेट्रम सल्फ उसका नाम है, वो खून जमा है निकाल देगी उसको। हाँ, नीट सबसे अच्छी औषध है, सब जमा रक्त को निकालता है, कहीं भी सिर में हो, अंदर ब्रेन में, RX वो डॉक्टर का निशान है। इसका अर्थ जर्मन में अर्था है, हे ईश्वर मैं आपको प्रार्थना करता हूं, रेस्पॉन्डे सिल्वो प्ले, जर्मन भाषा का शब्द है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, फिर औषध लिखता हूं,
होम्योपैथी में ये कहा जाता है बी ट्रीट ही क्योर, हम प्रयास करते हैं ठीक वो करता है, तो इसलिए आरएक्स लिखते हैं उसको, ईश्वर के लिए लिखते हैं। जैसे आप ओम लिखते हैं ना ओम या राम कृष्ण हरि, ऐसे ही ये है आरएक्स। हाँ सभी में लिखते हैं, एलोपैथी में भी लिखते हैं, होम्योपैथी में लिखते हैं, ईश्वर के लिए रखा जाता है। पूरा आर से रेस्पोंडे, एक्स से सिल्वू प्ले, रेस्पोंडे आर से रेस्पोंडे, हाँ जर्मन शब्द है, और एक्स से सिल्वू प्ले, सिल्वू प्ले, रेस्पोंडे माने मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कृपा करो, ये दवा में लिख रहा हूं। डॉक्टर लिखते हैं, आपको उसके चक्कर में क्यों फंसना, आप सीधे नाम लिखो। हाँ दो टाइम उतने से निकल जाएगा, कहीं भी रक्त जमा है, कहीं भी जमा, पानी में डाल के दो, भोजन में ज्यादा मीट खिलाओ, नहीं फिर नहीं देना। आपने प्रश्न किया था अंदर रक्त जमा है, आपका जो प्रश्न है वैसा ही उत्तर मैं देने वाला हूं। आप ये को हमें मालूम नहीं तो फिर बात मत करो इसकी, इसमें क्या है, मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज है। आपको कंफर्म है तो औषधि दो, नहीं है तो पहले पता करो, अंदाजे में कहीं कुछ मत करो, अंदाजे में ये सब एलोपैथी वाले करते हैं, आप मत करो। वो तीर चलाते हैं अंधेरे में, लग गया तो ठीक, नहीं तो गया, उनको क्या आ जाता है, जाएगा तो पेशेंट का जाएगा, उनको बराबर पैसा भी मिलने वाला, फीस भी मिलने वाली, वो मरे जिंदा रहे उनको कोई फर्क नहीं। तो ये अंदाजे में ही सब इतने लोग मरते हैं इस देश में एलोपैथी में। आप अंदाजा मत लगाओ, जितना कन्फर्म है उतना ही करो, अगर मुक्का मार है तो कन्फर्म है तो उतना ही करो, हारने का दे दो। अब अंदर कहीं रक्त जमा है मालूम है आपको, तभी देना, नहीं तो नहीं दे देना, ऐसे ही कोई काम नहीं करना, बिना विचारे बिना सोचे बिना निश्चित हुए कुछ करना। जैसे और कल्पना करिए, विदेशी बैंक आ रहे हैं, विदेशी बैंक आ रहे हैं, उन्होंने शाखाएं खोलना शुरू किया। मैं आपको एक ही विदेशी बैंक का उदाहरण देता हूं, उसका नाम है HDFC। 1992-93 में ये बैंक जब भारत आया था तो इसकी एक शाखा खुली थी, एक, सिर्फ एक ब्रांच थी, और उसमें डिपॉजिट जीरो था, एक ब्रांच थी, डिपॉजिट उसमें जीरो था, HDFC भारत आया था तब। आज HDFC को भारत में व्यापार करते हुए 10 साल हो गया है, HDFC की 10 साल में 243 ब्रांच भारत में खुल चुकी हैं और उनके पास 70,000 करोड़ का डिपॉजिट है, जीरो से शुरू किया था, 70,000 करोड़ का डिपॉजिट उन्होंने इस देश के लोगों से इकट्ठा कर लिया है। अगले साल से WTO की कंडीशंस आने के बाद HDFC को और खुला मार्केट मिलेगा और वो 1,000 शाखाएं बनाएंगे और हो सकता है 2-3 लाख करोड़ का डिपॉजिट करेंगे, और इतना डिपॉजिट करके किसी दिन वो घोटाला करके भाग जाएं तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा हुआ है इस देश में। आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था, अमेरिका का सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था, हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में, स्कैम सिटी बैंक ने किया था, हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था, सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आके हर्षद मेहता को खड़ा किया और हर्षद मेहता को पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से उससे कहा कि शेयर खरीदो हमको दो, तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था, सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था, पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक ने खेल क्या खेला कि भारत की कुछ कंपनियों को उठाना है कुछ को गिराना है, जिन कंपनियों के शेयर सिटी बैंक के पास है उनको उठाना है, जिनके नहीं है उनको गिराना है, ये खेल में वो लग गए। हर्षद मेहता उनको कठपुतली की तरह से मिल गया, उसने खेल खेला और उस खेल में हिंदुस्तान का 1,000,000,000 रुपए, कम से कम 76,000 करोड़ रुपए डूब गया इस देश का।
और जब ये सारा घोटाला खुला और घोटाले पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी भारत सरकार की संसदीय समिति ने की। संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है, सिटी बैंक जिम्मेदार है। तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां से, अमेरिका नाराज हो जाएगा। और इसी अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही की अमेरिका में कि उनके हालत खराब हो गए, लेने के देने पड़ गए। इसी अमेरिका ने भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अमेरिका में इन्वॉल्व हो गई थी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन में जिनका पता नहीं था, और अमेरिका ने डाउट किया था कि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं टेररिस्ट को। अमेरिका में एक नियम है, एक अमाउंट से ज्यादा का पैसा निकाला जाए और जमा किया जाए तो उसका सारा इंक्वायरी करना, नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए थे जिनका कुछ अता पता नहीं था, उसमें अमेरिका ने इतना हैवी पेनल्टी ठोंका उनके ऊपर कि एक ब्रांच का पूरा डिपॉजिट उसमें जाने की स्थिति आ गई। अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको, और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ को पूरा छोड़ दिया। हाँ हाँ, इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं। और आपको मालूम है रामनिवास मिर्धा नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त जांच समिति ने यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइंड अप करने का आदेश दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर बंद करा दीजिए, नहीं तो ये देश को लूटेंगे। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, क्योंकि अमेरिका से डर है, अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, एचडीएफसी, एएनजेड ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं, और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते। उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है, क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना है, सर्विस देनी, इनको बिजनेस करना है। तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह। और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पे काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे। और इस तरह से घुस के वो क्या कर सकते हैं भारत का, एक उदाहरण देके मैं मेरा व्याख्यान खत्म करता हूं। क्या कर सकते हैं अभी देखिए, भारत में सेवा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में और एजुकेशन आदि आदि में विदेशी कंपनी ज्यादा नहीं आए हैं, अगले साल से आना शुरू होंगे। अभी ज्यादा विदेशी कंपनी आए हैं टूथपेस्ट बेचने के लिए, टूथ पाउडर बेचने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए। अभी वो क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में आके, इसका ही एक उदाहरण देता हूं। सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अमेरिका के 2 कंपनी आए हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला। दोनों मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। 1997 से तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि ये ठंडा नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर है और वो जहर है, प्रयोगशालाओं ने सिद्ध कर दिया। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये जहर है, और ये भी कहा कि ये टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। CFTRI तो ये कहता है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। दूसरी लेबोरेटरी CSE, उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर भारत सरकार की लेबोरेटरी CFL, उन्होंने सिद्ध कर दिया। भारत की 5-6 लेबोरेटरीज और सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं कि पेप्सी कोक जहर है, 14 साल से इस देश में बिक रहा है, लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई एक्शन लेने की, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक NDA सरकार चल रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा लोग स्वदेशी भक्त हैं और स्वदेशी के नारे लगाने वाले हैं, उनका भी एक्शन लेने का हिम्मत नहीं था पेप्सी कोक पर, और उनके भी मंत्रियों ने पेप्सी कोक को क्लीन चिट दिया पार्लियामेंट के अंदर। अभी NPA सरकार आ गई है, उसकी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है।
पेप्सी कोक के खिलाफ हुए। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने सिद्ध कर दिया है, भारत के बहुत सारे गांव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए हैं, सब जंतु मरे। सोयाबीन के बारे में जो आखिरी प्रश्न उन्होंने कहा, प्रोटीन के बारे में और डायबिटीज के बारे में, दुनिया में अभी ऐसा कोई अध्ययन नहीं हो पाया है जिससे ये सिद्ध होता हो कि सोयाबीन से डायबिटीज ठीक हो सकता है। सोयाबीन से डायबिटीज ठीक होने की बात कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, और इसलिए दवा के स्वरूप में और मेडिसिन के रूप में अभी तक दुनिया में कहीं कोई उपलब्ध नहीं है। ये कल्पना जरूर ऐसी है कि सोयाबीन में जो कंपोजिशन है, शक्कर का, जो शुगर का कंपोजिशन है, जो फ्रक्टोज है उसमें ग्लूकोज है, फिर प्रोटीन है, फिर कुछ और भी चीजें, फैट भी है उसमें, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन से शायद डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलती हो, लेकिन अभी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, ना भारत के वैज्ञानिकों को ना दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को। ये चर्चा चल रही है, पुस्तकों में चर्चा है, पत्रिकाओं में चर्चा है, अखबारों में चर्चा है, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया है। और प्रोटीन के बारे में तो सिद्ध हो चुका है, सोयाबीन द्वारा जो प्रोटीन मिलता है वो किसी जानवर को मिले या किसी व्यक्ति को मिले, वो प्रोटीन बहुत ही जटिल होता है, और जटिल प्रोटीन जो होता है माने बहुत कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन, और वो जल्दी से पचता नहीं है। माने हम दाल खाते हैं, दाल में से प्रोटीन हमको मिलता है, वो प्रोटीन जितनी आसानी के साथ शरीर में काम में आ जाता है, उतनी आसानी से सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन शरीर में काम नहीं आता, बल्कि सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन एक तरह से शरीर में स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम कोई चीज स्टोर भंडार करके रख लें, वैसे एक भंडार जैसा बन जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता शरीर की ऊर्जा के लिए। इसलिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सोयाबीन का जो प्रोटीन है बहुत संश्लेषित है, बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए दुनिया भर में सोयाबीन खाने की बात कहीं नहीं कही जाती। अमरीका में लोग कभी भी सोयाबीन नहीं खाते, यूरोप में कभी भी लोग सोयाबीन नहीं खाते। मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि यूरोप में सोयाबीन खाया जाता है, सिर्फ जानवरों को खिलाया जाता है, और खासकर जानवरों में भी गाय को कभी नहीं खिलाया जाता, क्योंकि गाय को तकलीफ होती है सोयाबीन खा के। यूरोप में सोयाबीन सिर्फ खिलाया जाता है डूकरों को, सुअरों को, और वहां भी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि चूंकि जटिल है इसलिए आसानी से पचता नहीं, तो डूकर सोयाबीन की खली खाता है तो स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता, मोटा हो जाता, और वो इसलिए डूकर को खिलाते हैं क्योंकि डूकर का मांस उन्हें खाना, तो सोयाबीन खाया हुआ डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता है, मोटा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मांस ज्यादा मिलता है, इसलिए डूकरों को सोयाबीन खिलाने की परंपरा है, और वो भी सब देशों में नहीं है, सिर्फ हॉलैंड में है। मैं हॉलैंड जा चुका हूं और मैंने वहां पर देखा है कि उससे जो है दूसरे तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है कि डूकर का मांस जो खाया किसी ने और वो सोयाबीन खाया हुआ डूकर है, तो उन लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती है। जो सोयाबीन खाता है डूकर, डूकर का मांस जो लोग खाते हैं, तो लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती हैं जो डूकर का मांस खाते हैं सोयाबीन वाला। इसलिए पूरे हॉलैंड में सोयाबीन का बहिष्कार कर दिया है, वहां कोई किसान सोयाबीन नहीं करता, यूरोप में भी कोई किसान सोयाबीन नहीं करता। भारत में हॉलैंड की एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम है सीजवॉन वीवी, तो सीजवॉन वीवी कंपनी आई थी सोयाबीन का बीज लेकर सबसे पहले, और मध्य प्रदेश में उस समय जब सरकार चलती थी, आज से ये करीब 15-20 साल पहले की बात है, तो मध्य प्रदेश सरकार को वो बीज मुफ्त में दिया गया था और कहा गया था कि आप अपने किसानों को अगर ये बीज बांटें तो हम आपके पैदा किए हुए सोयाबीन को पूरा खरीद लेंगे और आपको विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो इस लालच में मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का बीज बांटना शुरू किया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के माध्यम से। पहले मध्य प्रदेश में फैला सोयाबीन अभी फैलते फैलते महाराष्ट्र में आ गया, थोड़ा गुजरात में भी चला गया, उत्तर प्रदेश में भी चला गया है, लेकिन अब करते करते खेती इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ उसमें से फल नहीं निकलता। एक बात जो आपने कही कि सोयाबीन की खेती के बाद कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, तो ये बात तो किसी दूसरी फसल पे भी सच है। आप कोई भी दलहन की खेती करें, कोई भी दाल करें, तुअर की करें, उड़द की करें, मूंग की करें, उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। कपास की फसल का अच्छे होने का एक छोटा सा सिद्धांत है कि जिस खेत में प्रोटीन ज्यादा देने वाली कोई भी अनाज
पैदा की गई हो, अनाज की फसल ली गई हो, उसमें उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। और इसी तरह से एक और दूसरी छोटी सी बात है कि तुअर की दाल लगा दीजिए किसी खेत में, उसके बाद गेहूं लगाइए, गेहूं हमेशा उसमें अच्छा होगा। तो जो भी दाल है, दाल की फसल लेने के बाद अगर आप गेहूं लेंगे उसमें तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही कपास की फसल अच्छी लेनी है तो पहले उस खेत में अगर दाल लगा देंगे आप, तो दाल के बाद कपास लगाएंगे तो हमेशा, कोई भी दाल लगाइए, मूंग की लगा दीजिए, उड़द की लगा दीजिए, तुअर की लगा दीजिए, किसी भी किस्म की दाल लगा दीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती हो, तो हमेशा कपास की फसल अच्छी होगी। सिर्फ सोयाबीन से कपास की फसल अच्छी होती है, इससे भी ज्यादा सच ये है कि किसी भी तरह की दाल की फसल आप लगाएं तो उसके बाद कपास की फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है। और ये जो फसल चक्र का एक सिद्धांत है, और शायद इस देश में सभी किसान जानते थे आज से 200-300 साल पहले तक, लेकिन ये जो परदेशियत आ गई, विदेशीकरण हो गया हमारी खेती का, तो वो फसल चक्र का जो हमारे ज्ञान थे वो खत्म हो गए, टूट गए धीरे धीरे। तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, ये ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा, जो गांव के पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने पुरानी खेती की है उनसे मिलेगा कि आप क्या करते थे अपने जमाने में, क्योंकि किताबें इस पर ज्यादा लिखी हुई नहीं है, ज्यादा इस पर प्रकाशित साहित्य नहीं है। जो साइंटिस्ट लिखते हैं, जो किताबें बनाते हैं, वो भी एजम्पशंस के आधार पर हैं, अनुमानों के आधार पर हैं। तो उसका ज्यादा वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण जानकारी सीधे गांव में ही मिल सकती है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोग कर सकें, इसी में मुझे याद आ गया कि हर गांव में इस तरह की फसल की जो व्यवस्था होती रही पिछले कई वर्षों से, उसके बारे में कुछ लिखित काम शुरू कर दिया जाए। जैसे मुझे दिगरस गांव में, दिगरस गांव में 10 तरह की फसलें होती हैं या 50 तरह की फसलें होती हैं, तो पिछले 50 साल में इनमें क्या बदलाव आया है, 50 साल पहले ये फसलें किस तरह की, 50 साल के बाद किस तरह की फसलों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया है, किस तरह की फसलों का परसेंटेज बढ़ गया है। अगर ये छोटा छोटा एक सर्वेक्षण का काम हर गांव में शुरू कर दिया जाए तो ये जो झगड़ा है कि सोयाबीन के बाद क्या करें या गेहूं के बाद क्या करें या कपास के बाद क्या करें या ऊस के बाद क्या लगाएं खेत में, धान लेने के बाद क्या लगाएं, ये झगड़े उसमें से सुलझ जाएंगे और वो ज्ञान जो हमारे पास था वो वापस हमारे पास लौट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में जो नौजवान साथी हैं, जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। और इस तरह का काम शुरू करने में गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वडील हैं, उनकी बड़ी भारी मदद हो सकती है, जिन्होंने पिछले कई सालों से खेती की है, जिनको इस बात का अंदाजा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास शुरू होना चाहिए। और कई बार किताबों में, खासकर पत्रिकाओं में, बहुत बार ऐसी माहिती आती है जो विदेशों से इम्पोर्टेड होती है। सोयाबीन के बारे में जितनी माहिती भारत की पुस्तकों में छपती है सब विदेशी माहिती है, क्योंकि सोयाबीन हमारी फसल कभी नहीं थी। ये हिंदुस्तान में 20-25 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि सोयाबीन क्या होता है। ये पूरी तरह से इम्पोर्टेड फसल है और इम्पोर्टेड कृषि का ये जो है पद्धति है सोयाबीन पैदा करने की। तो ये जो विदेशों से आने वाली जानकारी है उसको सीधी तरह से कभी स्वीकार ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है विदेशों में कोई एक जानकारी सच हो वो हमारे यहां भी सच हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। हो सकता है वहां बहुत गलत हो और आपके यहां सच हो जाए, हो सकता है वहां सच हो आपके यहां गलत हो जाए, क्योंकि फसल चक्र जो होता है वो मौसम के हिसाब से बनता है और फसल की किसी भी स्थान पर उत्पादन की जो शक्ति होती है वो वहां की स्थानीय मिट्टी और जलवायु के आधार पर बहुत निर्भर करती है। तो हॉलैंड के लिए कोई बात एक सच हो सकती है, वो भारत के लिए सच नहीं होगी। हॉलैंड का मौसम एक तरह का है, भारत का मौसम दूसरी तरह का। तो सोयाबीन हॉलैंड के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जा सकती है, भारत के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी फसल होगी। इसलिए परदेशों से कोई जानकारी आ गई है और उसको हम सत्य मान के काम करना शुरू करेंगे तो कई बार धोखा उसमें ज्यादा होता है। उसको अपने विवेक से परखें और अपनी बुद्धि से उसका टेस्ट करें और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें और तब उसको फॉलो करें। तो आपने गुड़ की बहुत महत्वपूर्णता बताई, परंतु डायबिटीज पेशेंट्स क्या करें उसके लिए? गुड़ आप डायबिटीज में खाइए, भरपेट आंवले के साथ खाइए, त्रिफला के साथ खाइए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है गुड़ खाने में। डायबिटिक लोग भी गुड़ खा सकते हैं, शुगर ना खाएं। और जूस का क्या करें? डॉक्टर्स तो कहते हैं डायबिटीज डोंट ईट फ्रूट्स करके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप भगवान की दी गई जो शक्कर है, ईश्वर की दी गई शक्कर है, जूस में है, फल में है, वो आपको शायद मालूम है या नहीं, शक्कर जो है ना, शुगर, इसके कई रूप हैं। एक है ग्लूकोज, एक है सुक्रोज, एक है फ्रक्टोज।
तो ये जो फल वगैरह की शक्कर है ये फ्रक्टोज फॉर्म की ज्यादा होती है और ये आसानी से डाइजेस्ट होती है। गुड़ की भी उसी कैटेगरी में आती है। तो आप चीनी मत खाइए, गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, मीठे कोई भी फल खाने में तकलीफ नहीं है, बशर्ते कि त्रिफला खाते रहें, थोड़ा त्रिफला लेते। जिनको भी डायबिटीज है वो भी त्रिफला का सेवन करें, क्योंकि डायबिटीज मैंने कहा ना वात का रोग है, तो वात कम करेगा। त्रिफला में तीनों चीज है जो वात नाशक है, आंवला, हरडा, बहेड़ा। त्रिफला आपने कहा लेना है, रात को और सुबह कब लेना है, जैसे खाने के पहले खाने के बाद? रात को तो आप लें, पेट साफ करना हो, कॉन्स्टिपेशन दूर करना हो। देखिए मैं अब थोड़ा बता ही दूं, बवासीर अगर किसी को है ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें। मूड़ व्याध, पाइल्स जिसको आप कहते हैं, हेमोरॉइड्स, वो जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें। बगंदर, ये ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें। माने मेरे कहने का है पेट से जुड़ी बीमारियां ठीक करने के लिए त्रिफला उपयोग करना है तो रात को, चम्मच एक छोटी, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। और अगर आपको मांस कम करना है, कफ नाशक बीमारियां, कफ से जुड़ी हुई बीमारियां, तो सुबह खाने के बाद लेंगे रात को, और सवेरे लेंगे खाने के पहले, खाने के ही नहीं नाश्ते के भी पहले 40 मिनट, नाश्ता करने से 40 मिनट पहले। जी आपने बताया कि त्रिफला 1-2-3 के अनुपात में बढ़ावे हैं, तो आपने जो मुंबई वाली बात करी तो मुंबई वाले भाई साहब को पहले आपने 1-2-3 के अनुपात वाला ये त्रिफला दिया, वो जब बराबर काम नहीं किया तो फिर आपने समकालीन दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये क्या प्रोसेस हुआ? हाँ ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है। इसमें हुआ क्या कि जब आंवले में हरडा, बहेड़ा और आंवले को 1-2-3 के अनुपात में हम रखते हैं तो आंवला ज्यादा है, आप निश्चित रूप से देखें 3 मात्रा है, आंवला ज्यादा है। आंवला माने विटामिन सी का भंडार, आंवला माने कैल्शियम का भंडार, आंवला माने ये, आंवला माने वो। तो अब जब बीमारी उनको रेडिएशन की थी तो ऑलरेडी उनके शरीर का विटामिन सी बढ़ा हुआ है, क्योंकि रेडिएशन से वो एक्स्ट्रा होता है। तो हमने देखा आंवला अगर मात्रा उनके साथ है तो वो काम नहीं कर पा रहा है इतना, जब 3 मात्रा का है, क्योंकि जो चीज पहले से बढ़ी है वो और बढ़ाएगा। तो फिर हमने इसको कम कर दिया, हरडे और बहेड़ा को बढ़ा दिया, तो सम हुआ, तो रिजल्ट तुरंत आ गया। तो ये रेडिएशन जैसे गंभीर बीमारियों में, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों में इस तरह का उपयोग होता है, आंवला, हरडे, बहेड़े का बराबर मात्रा में। लेकिन बाकी जो साधारण बीमारियां हैं उनमें 1-2-3 ही रहता है, क्योंकि आपको कई जगह कैल्शियम की जरूरत है, विटामिन सी की भी। जितने लोग मोटे हैं उतना शरीर में विटामिन सी कम, जितने लोग मोटे हैं उतना कैल्शियम कम। तो कैल्शियम कम है, विटामिन सी कम है, तो मैं आपसे कहूंगा ही कि आंवला 3 मात्रा में लो तो वो बढ़े, तो बाकी चीजें कम हो। तो ये चक्कर है, ये थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, आप लेकिन समझ जाएं, सरल भाषा में मैंने कोशिश की है बताने की। जी इन 1992 आई वेंट टू राजस्थान, करते हुए योग आसन प्राणायाम आदि करते हैं तब इसका पूरा लाभ होता है। तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ 4 नियम बताना चाहता हूं, और ये 4 नियम का पालन आप सब करिए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूं कि ये 4 नियम का जो भी पालन करेगा जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन 4 नियमों का पालन करते हैं। आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी करता हूं मेरे जीवन में, पिछले 15 वर्षों से योग प्राणायाम करता हूं, उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं, वो नियम का पालन करता हूं और वही नियम आपको बताना चाहता हूं। स्वामी जी पालन करते हैं, मैं करता हूं, हमारे लाखों योग शिक्षक करते हैं, और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाभ हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं। 15 साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। पिछले 15 साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। और वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोगमुक्त होना है,
तो अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखे, अपना वात पित्त और कफ तीनों का संतुलन रखे। वो तीन तरह के दोष हैं हमारे शरीर में, वात पित्त कफ, आपने सुना होगा ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग आते हैं, जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो लगभग 46 से 50 रोग आते हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं, और वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाएं तो 148 रोग आते हैं। सर्दी खांसी जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, ये सब वात पित्त कफ के बिगड़ने का खेल है। तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि, ऐसे एक ऋषि हुए बाघभट्ट। बाघभट्ट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं, उनमें से 4 बताता हूं, अच्छे लगे तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ, ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े। ये चारों नियम हैं वात पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात पित्त कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें, तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम है। आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सबके सब, और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते। कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं पानी ज्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि बाघभट्ट कहते हैं भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिए, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं ना, तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है, पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जठर, संस्कृत में हिंदी में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है, आपके पेट में नाभि है ना, उसके लेफ्ट साइड में बाई तरफ छोटा सा स्थान है, सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है। जो भी आप खाते हो, रोटी चावल दाल सब्जी दूध दही कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोल देते हैं जठराग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में जठर में अग्नि जलती है, वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो, दूध में थोड़ा चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी। आप घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो, दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है, इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं। तो आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई, अब वो खाने को हजम करेगी पचाएगी। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप, कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जल गई और वो खाने को पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया, क्या होने वाला है, अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, पानी अग्नि को बुझा देता है। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, पीछे से गटगट पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, अब खाना पचेगा नहीं, तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा,
और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा और वो 100 विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है, ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है, ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं। कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है, ये सब वो लक्षण हैं जब खाना पचता नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि बागभट्ट ने कहा खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए, कम से कम 1 घंटे तक, 1 घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे जी 1 घंटा क्यों, ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो, 12 बजे खाया तो 1 बजे पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पी लो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो। 10 बजे खाना खाना है, 9:20 पे खूब पानी पी लो, जितना पी सकते हो। 11 बजे खाना खाना है, 10:20 पे पी लो, खूब पानी पी लो 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए बागभट्ट जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो, मट्ठा। खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो, गन्ने का रस पी लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं, गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का रस, पैसे तो है नहीं। तो सबसे सस्ता रस है नींबू का ही रस पी लो, शिकंजी बना के पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो। और एक तीसरी चीज है दूध पी सकते। तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या मट्ठा, खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध, पानी 1 घंटे बाद पियो। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ता, तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर को खाना खाएं तो लस्सी और मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाएं तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिंदगी में कभी भी 80 रोग उनको नहीं हो सकते। वात पित्त कफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा। दूसरा नियम एक और है और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक एक घूट भर के, एक एक सिप करके, ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो। ये मुंह में एक बार गिलास लगा लिया, गटागट उसको खाली कर दिया, ये तरीका गड़बड़ है। 1 घूट पानी, 2 घूट पानी एक बार में उतना ही पियो। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है? बात ऐसी है कि एक एक घूट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है ये क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है। तो 1 घूट पानी पिया, मुंह की लार इसके साथ अंदर गई, 2 घूट पिया और ज्यादा गई, बार बार लार अंदर जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा। पेट में अम्ल बनता है, मुंह में लार क्षारीय होती है, तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती। और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घूट घूट करके पीना। मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, परीक्षण।
आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखना शुरू करो, वो पानी कैसे पीते, किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो, किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो, वो चोंच के एक बूंद के बराबर ही पानी उठाता है। एक बार में एक बूंद पानी लेगा, फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरी बूंद लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरी बूंद, एक एक बूंद पक्षी पानी पीता है। कुत्ते को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक एक घूंट पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है, वो सब स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पीते। अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है, वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते, उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगते, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना। और हम ये मनुष्य जिनके इतने गुरु, इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, सीखने वाले, सिखाने वाले, और हम मूर्खों के मूर्ख गटागट गटागट पानी पीते रहते। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भर के पानी पियो, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है वो मैं समझाता हूं सरल भाषा में। पेट तो गर्म है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्या होता है? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है, और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। आपको मालूम है जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते, निकाल के बाहर सड़क पर रख देते। जो घर आपने बनाया अपनी मेहनत से, शरीर के ठंडा पड़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से, और फिर चिल्लाने लगते हैं लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, इसको जला के आओ, माने ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई, बंद कर दो। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी नहीं पीता। तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो। और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बर्फ का नहीं पीना। ये तीसरा नियम है। और चौथा और आखिरी नियम है कि आप सवेरे ही सवेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपकी आंख खुल गई तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो, उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ। उठते ही पानी पियोगे तो दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी पेट पे दबाव पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे, 2-3 मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता। इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है। और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। ये चार नियम है आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। दूसरा नियम, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पीना। तीसरा नियम, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा और आखिरी नियम, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकता है, और जिसका वात पित्त कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है,
और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं, उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है। आपको शायद मालूम है या नहीं, एक साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं भारतवासी, तो साल का करीब 6 लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का इलाज करने में। इसलिए इतना पैसा फालतू में हम खर्च करें हर साल 6 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। इससे बेहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पड़े और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ये 6 लाख करोड़ का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पड़ने पर, अक्सर ये एलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है। और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल, बैरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही। ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किडनी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं, आंतों में घाव कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दुनिया में लगभग इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं और आपको सुनकर हैरानी होगी, उनमें से मात्र 117 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं। उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं, ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। और ये 6 लाख करोड़ का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिंदगी में हर समय अपना आर्थिक स्थिति को देख के चलना पड़ता है, जिनकी आमदनी बहुत नहीं है, जिनके घर में आमदनी के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का खेत बिक जाता है, किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं, किसी को कर्ज लेना पड़ जाता है, किसी को कर्ज लेकर दोबारा कर्ज लेना पड़ जाता है। मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गांव-गांव के गरीब किसान कर्ज ले लेकर ये महंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं, डॉक्टरों को पैसा देते हैं, दवा कंपनियों को देते हैं, और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां विदेशी होती हैं। तो हम 6 लाख करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का, उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़े, दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े, तो हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो योग प्राणायाम करें, 4 नियमों का जीवन में पालन करें, बहुत आसान है आपके लिए। और अब एक छोटी सी एक बात और आपसे, मैं और एक दवा के बारे में बता दूं, जो हमारे गुरु के गुरु थे उनका सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि मेरी माताजी ने पैरालिसिस से मर गई, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर उसके बाद तो मेरी माँ तो रिवर्स नहीं आएगी, अभी राजू भाई गए नहीं आए, लेकिन राजू भाई के जैसे बहुत सारे हम काम कर सकते। ऐसा कई माताएं हैं, कई पिताजी हैं, उनको सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला। धर्मपाल जी को भी पक्षवात आया था यहाँ, उनको सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला, और उसी दवा का नाम आपको बता रहा हूं। दवा का नाम है रस्टक्स 30। पक्षवात या पैरालिसिस, और पैरालिसिस में एक दवा का नाम है रस्टक्स, और इसकी पोटेंसी है 30। जिस दिन आता है उसी दिन उनको भी 15-15 मिनट पर 3 बार 2-2 बूंद जी पर दे, और इसी रस्टक्स को कंटिन्यूशन करते हुए डेली सुबह दोपहर शाम ऐसा कम से कम, अगर आपने आज पैरालिसिस आया, आज से दवा शुरू किया तो आपको महीने भर में ये ठीक हो जाएगा। किसी किसी को 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, 100% रिलीज और ठीक हो जाएगा, और जैसे का वैसा चलेगा। और इसमें और एक दवा है कॉस्टिकम 1M। कॉस्टिकम जिस दिन हमने रस्टक्स दिया, दूसरे दिन जो 1M है उसको भी 2-2 बूंद 3 बार दे, और उसी दिन रस्टक्स भी आएगा, क्योंकि डेली मेडिसिन है रस्टक्स करके वाला, उसको भी 2-2 बूंद जो कॉस्टिकम देते हैं उसके आधे घंटे पौन घंटे के डिफरेंस पर रस्टक्स भी देनी चाहिए। ये रस्टक्स डेली 2-2 बूंद 3 बार, और कॉस्टिकम हफ्ते में एक दिन, वीकली एक दिन 2-2 बूंद
तीन बार देनी चाहिए। ऐसा अगर किसी को एक महीने में ठीक हो जाएगा, किसी को 15 दिन में ठीक हो जाएगा, किसी को 1.5 महीना लगेगा, लास्ट आखिरी 2 महीने से ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी को 15 दिन हो गया पैरालिसिस आके तो उसको 3 महीने भी लग सकते हैं, किसी को महीने भर हो गया उसको भी 3 महीने लग सकते, 3 महीने से ज्यादा समय नहीं लगती है। और इनको भी खान पीन के बारे में चाय कॉफी डिकॉशन जो भी गलत आदत है सब बंद कर दे, ना वेजिटेरियन माने शाकाहारी भोजन दे, तो ये भी पैरालिसिस वालों को भी बहुत अच्छा। मैंने हजारों लोगों को इलाज किया, ये भी सब घर में बैठकर होम्योपैथी में जाए 10-20 रुपए में दवा मिल जाएगी और हो जाएगी। मैंने जो सांप वाला बताया वो भी 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगी, ये भी 10-20 रुपए में मिल जाएगी। महा से महा ज्यादा से ज्यादा खर्चा 50 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। इस देश में सभी लोगों को ये इसका इलाज और ये दवा का अनुभव मिलना चाहिए, ये मेरा अच्छा आशा है, इसलिए मैंने ये सब आप लोगों को बताया। हाँ, इसका प्रयोग हमने शुरुआत में किस पर किया, एक हिस्टोरियन है पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े नाम वाले हैं, उनका नाम है धर्मपाल जी, वो हमारे गुरु है, गुरु के गुरु है। तो उनको जिस दिन आया तो पहली बार उन पर प्रयोग हुआ है तो अच्छे से अच्छे सक्सेस हो गया धर्मपाल जी को, और सेवाग्राम महात्मा गांधी के आश्रम में शुरुआत में किए हम लोग तो अच्छा रिजल्ट आया, उसी के आधार पर अभी मुझे फोन करना। मेरा नाम है सन्मुख माधव राव। हाँ ना, और नंबर लिख लो 9866548278 0 लिखना 9866528 मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीब 1.5 साल हो गया। एक हमारी बड़ी गाड़ी है आजादी बचाओ आंदोलन की बस है पूरी स्पेशल डिजाइन, वो पलट गया था पूरा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया था, तब बहुत छोटा ही थी। तो उस समय मैंने आर्निका, इसकी सबसे ऊंची पोटेंसी सीएम लिया आर्निका, तो आर्निका की सबसे हाईएस्ट पोटेंसी सीएम जिसमें दवा सबसे कम होती है। और स्थिति ये थी कि मैंने जिस समय दवा लिया उसके 3 घंटे के बाद मैं मेरे काम पे लग गया और डॉक्टर ने कहा था कि आपको तो 2-2.5 महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, अंदर की इंजरी है, ये ठीक होने। मैंने कहा तुम डॉक्टर तुम्हारी रखो, मुझे बस इतना बता दो कि कहाँ कहाँ इंजरी है। तो हमारा दोस्त ही है वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने कहा इतनी इतनी है, तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया सीएम पोटेंसी का, एक डोज लिया बस 3 घंटे के बाद मैं व्याख्यान दे रहा था और लोग हैरान हो गए कि इनको तो कल एक्सीडेंट हुआ था, इनको तो बिस्तर पर होना चाहिए और मैं व्याख्यान दे रहा था। तो इतनी ताकत है होम्योपैथी की दवाओं में। एलोपैथी वाले कम से कम 2.5 महीने बेड रेस्ट कराते हैं और प्लास्टर बांध देते हैं और वो सब कर देते हैं, मैंने प्लास्टर नहीं बांधने दिया, क्रैक है फिर भी ठीक करता है, बस इतना ही है कि उसको पट्टी बांध के बराबर कर लेना, प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो हड्डी को दवा जोड़ देती है। तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दवा को सूक्ष्मतम रूप में लेना तो सबसे ज्यादा प्रभावी है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये जर्मनी वालों ने ले लिया, उस पर काम किया, फिर अपना सिक्का लगा के दुनिया में फैलाया। और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपनी बात को कभी दूसरे के सामने सिद्ध नहीं करते। नहीं, उस समय तक उनके यहाँ इतना रिसर्च नहीं हुआ था, ये तो अभी हुआ है। ये पैदाइशी अपंग है उन पे तो काम होता है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी से जो अपंग हुए एटॉमिक रेडिएशन से, उनके लिए औषध नहीं है दुनिया में। शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा एक्स, लेखक कमलेश जैन। हाँ, पिछली प्रवास पर हमने आपको एक पुस्तक दी। हाँ, मैंने पढ़ी है, इस संबंध में जानना चाहिए। मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी किताब है, आपको मिले तो आप भी पढ़िए, क्योंकि उसमें उन्होंने इतनी लॉजिकल बातें कही हैं जिनको पढ़कर ऐसा समझ में आता है कि एड्स कोई बीमारी नहीं है। वो खाम खाम का एक हवा खड़ा किया गया है कंडोम्स बेचने के लिए। और ये पुस्तक पढ़ने के बाद मैं 3 प्रोफेसर से मिल चुका हूँ जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, एक तो प्रिंसिपल है भोपाल मेडिकल कॉलेज के वो बोलते हैं, और एक नागपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, दोनों बोलते हैं कि एड्स सच में एक धोखा है, ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। बीते वर्ष